Looking forward to the presentation today by Professor Madhav Hada ji. I'm going to speak a little bit about his topic. मैंने उनकी जो synopsis थी पढ़ी, बहुत ही दिलचस्प है विषय और मैंने मन में कई विचार उभरे इसको पढ़ने के बाद, और मुझे वो भी दिन याद आया जब हमने इसके बारे में चर्चा की थी डिफेंस कॉलोनी में इंटरव्यू के दौरान, तो तब से वो मेरे मन में अभी ताज़ा वो यादें आ गई दोबारा ये पढ़ने के बाद, और काफ़ी कुछ विचार आए, तो मैं कुछ उनके बारे में हमारे जो आज अध्यक्ष जी हैं दाताराम पुरोहित जी, उनकी अनुमति से कुछ शब्द कहने की इजाज़त मैं चाहता हूँ आपसे। लेकिन उसके पहले मुझे बहुत खेद है कि हमारे एक अध्येता जी वेनुसा जी, इन्हीं वेनुसा जी जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया, और ये शोक संदेश हमें शायद कल मिला, और कल ही शायद रात को वेनुसा जी एक्चुअली वो आगमन कर चुके थे दीमापुर की तरफ जाने के लिए। उसके पहले वो मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया कि उनकी माता जी कुछ ज़्यादा वैसे उम्र नहीं थी, कुछ 74-75 वर्ष की थी शायद, तो वो बता रहे थे कि अकस्मात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसके बाद काफ़ी टेस्ट किए लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था बात क्या है, और फिर आईसीयू में भी वो चली गई और फिर उनको डिस्चार्ज किया गया थोड़े दिनों बाद, और फिर दोबारा भर्ती किया गया, और तब पता चला कि एक उनको यूटी जो कहते हैं यूटी इन्फेक्शन हो गई थी, तो वो इतनी सिवियर हो गई कि किडनीज भी शायद अफेक्ट हो गई थी तब तक। और वहाँ नागालैंड में प्रथा है कि जो सबसे छोटा लड़का है उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है, हमारे यहाँ कुछ दूसरा है, रीत रिवाज हमारे यहाँ कुछ अलग है वहाँ अलग है, तो वो सबसे छोटे लड़के थे और उनको खुद को एक लड़की हुई है जैसे आपको पता है, जिसका चेहरा उन्होंने देखा नहीं था, तो मेरे से बात कर रहे थे, मैंने कहा उनको कि आपको ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि किसी कारणवश आप अपने माता जी को नहीं देख पाए तो आपके मन में वो एक ग्लानि या एक अपराध भावना अपराध बोध हो सकता है कई सालों तक, लेकिन अकस्मात वो गुजर गई इस तरह के वो शायद उनको देख नहीं पाए, लेकिन आखिरी यात्रा के पहले तो देखेंगे, तो ये कुछ थोड़ी सी दिलासा होगी। ये जब अपने माता पिता के साथ ऐसे कुछ हो जाता है तो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक उनकी जैसे उनकी छत्र छाया है हमारे सर के ऊपर, तो हमें लगता है कि अभी हमें जीने का बहुत अवकाश है, लेकिन वो जब उठ जाता है वो साया उनका, फिर बहुत ही एक विचित्र किस्म का शोक होता है, और ख़ास करके माँ के साथ कि वो तो बिल्कुल इरिप्लेसेबल है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके मतलब इस तरह से अकस्मात गुजर जाने पर, लेकिन जैसा कि हम करते हैं हम उसी तरह हम एक मिनट का हम एक शोक मौन हम अगर धारण करें तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, अगर आप सबको ठीक लगे तो हम थोड़ा सा आधे मिनट के लिए हम उनके आत्मा के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं आत्मा के आगे की यात्रा के लिए, और पूरे परिवार को कुछ शांति मिले और कुछ उनको इस बहुत ही संकट की घड़ी में उनको हमारे अच्छे विचार मिले। मैंने उनको जब लिखी थी चिट्ठी मैंने यही कहा कि इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसे मत सोचिए कि आप अकेले हैं, हम सब शरीक हैं आपके दुख में, और हम एक जैसे एक परिवार के सदस्य हैं तो सुख और दुख में एक दूसरे का हम साथ देते हैं, तो उस भावना के साथ अब हम थोड़ा सा एक मिनट का हम एक मौन शोक मौन मना सकते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। IIAS में मेरा अनुभव ये रहा है कि पता नहीं हमने कितने लोगों को, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं IIS परिवार के, हम खूब बैठे हैं पिछले 2 वर्ष में। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमने रामाश्रय रॉय जी के बारे में भी थोड़ा सा ये शोक मनाया था। 10 अगस्त को उनका देहांत हो गया था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितने मेरे ही आने के बाद, मुझे जो याद आ रहा है 20-25 लोगों का हमने ये किया होगा पिछले 2 साल में। इसका मतलब है कि 2 साल में हर महीने ये, लेकिन है तो है, क्योंकि मैं एक बहुत दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो। इसका नाम है द टिबेटन बुक ऑफ द डेड, लिविंग एंड डाइंग, आई थिंक टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, सोग्याल रिम्पोचे की किताब है। तो उसमें जो ये किताब है, इसमें जो उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। You are audible as well as visible. तो नहीं। अब मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही आ है। रही है सर। हेलो शुक्ला जी, कैसे हैं? मैं एकदम आनंद से हूं सर। तो कट गए। मैं 2 मिनट ही लेना चाह रहा था कि ये जो मैं किताब पढ़, सोग्याल रिम्पोचे जी की, बहुत अच्छी किताब है, और उसमें एक अवधारणा है, बार्डो कहते हैं तिब्बतन भाषा में, बार्डो। तो ये बार्डो क्या है? तो मैंने उस पर थोड़ा सा शोध किया, तो ये अंतर्भाव है। ये संस्कृत से जाता है वहां पे, अंतर्भाव। अंतर्भाव यानी जो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं, जैसे हम रात को सो जाते हैं तो जागृति और निद्रा की अवस्था के बीच में भी काफी बीच में स्टेट्स आती हैं, और फिर हम सपने देखने लगते हैं, और वो ख्वाब की दुनिया भी, उसमें भी मन बहुत एक्टिव होता है, चित्त बहुत एक्टिव होता है। फिर हम गहरी नींद में जाते हैं, क्योंकि अगर हम उसको सुषुप्ति कहते हैं, गहरी नींद में अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें कोई कोई भी पीस नहीं मिलेगी। फिर हमें लगेगा कि हम अच्छी तरह सोए नहीं हैं। तो वो सच्चिदानंद में जब तक हम डुबकी नहीं लगाते प्रति रात को, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। और फिर हम ये अंतर्भाव, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये किताब में लिखा है कि हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अकस्मात हमें बुलावा आ जाए, क्योंकि एक जॉन डन की कविता भी है, आस्क नॉट फॉर हुम द बेल टोल्स फॉर इट मे टोल फॉर दी। ये बहुत अच्छी कविता है जॉन डन की। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि
ऐसे प्रसंग पे हम कुछ गहराई से इन चीज़ों में जा सकते हैं, और इससे बढ़िया माहौल कहाँ मिलेगा हमें इन चीज़ों को सोचने के बारे में, सोचने के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि जब से आई बिकेम 50 years old, आई थिंक अबाउट डेथ एवरी डे। एवरी डे मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि क्या है ये, क्या रहस्य है। और जो मैंने पाया है जस्ट इन अ वर्ड इज दैट इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ लाइफ, और आप रिवर्स कह सकते हैं कि लाइफ इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेथ। इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, उस तरह की चीज़ है। बट वी लीव इट एट दैट। नाउ लेट्स गेट टू दिस वंडरफुल, ये जो शोध कार्य है वो पद्मिनी विषयक ऐतिहासिक, ये बहुत फेंटली प्रिंट हुआ है किसी वजह से, कथा काव्य की देशिक परंपरा का विवेचनात्मक अध्ययन, ये है शीर्षक। तो मेरे मन में दो तीन आइडियाज आई हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, आप सब के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये, जैसे हाड़ा साहब भी कहते हैं कि भारत की जो कथा की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। तो वेदों में भी कई कथाएं हैं, उपनिषदों में भी कई कथाएं हैं, और एक उपनिषद तो है ही कठोपनिषद, कथा उपनिषद ही कहा जाता है। तो अनेक अनेक ये कथा की शैलियां हैं, आख्यान है, फिर हमारे यहाँ कथा सरित सागर है ना, जो कहते हैं पैशाची में लिखा था, और वो भाषा ही अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ से कथाएं दुनिया भर में गई। जैसे लोग कहते हैं ईसॉप्स फेबल्स जो हैं, हमारे जाटक जो एनिमल टेल्स हैं वो तब्दील होके वहाँ गई हैं, पंचतंत्र कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। आदिल जी जानते हैं कि अरबी भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है, फारसी भाषा में हुआ है। भारत से कहानियाँ, ये कहानियों का एक खान है, जैसे कहानी रत्नाकर है भारत, यहीं से कहानियाँ हर जगह जाती है और दुनिया भर घूम के वापस यहाँ आती है। तो एक तो वो है। अब सवाल ये है कि जब किसी, अच्छा हम दोबारा लग रहा है कि हमारा कनेक्शन जा रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? जी आप सुनाई भी पड़ रहे हैं, दिखाई भी पड़ रहे हैं। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। तो अब दूसरी बात यह है कि हमने सब ने ये फिल्म देखी होगी शायद, इनकी भंसाली साहब की, संजय लीला भंसाली की, काफी अच्छी फिल्म थी, मैंने भी देखी है। पद्मावती है ना, क्या नाम है, पद्मावती शायद थी फिल्म, क्या नहीं? और ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो सबको जायसी के पद्मावत के बारे में पता चल गया इस फिल्म के बाद। तो अब दिलचस्प बात क्या है कि जायसी ने ये कई शतकों के बाद लिखी, जब वो घटना हुई इसके कई शतकों के बाद इन्होंने इसको, इसकी रचना की। लेकिन कहने का मतलब है, अभी मुझे एक दूसरी किताब मिली है सुहेल देव के नाम की, जो हमारे मित्र अमिश त्रिपाठी ने लिखी है, तो वहाँ भी उसी तरह की बात है कि गजनी जब आए थे भारत, सोमनाथ पे जब आक्रमण हुआ था, तब उनकी आर्मी, उनके जो नेफ्यू थे उनकी आर्मी से लड़े एक सुहेल देव, ये कहा जाता है। और उनकी भी कहानी कई सालों बाद, मतलब सालों नहीं मैं कहूँगा 500 वर्षों बाद मुगलकालीन समय में उसको लिखा गया। तो ये कहानियाँ कहाँ से आई, ये सवाल है। तो अब हमें हाड़ा साहब कहते हैं कि ये कहानियां लोक परंपरा में मौजूद थी, कि इनको एक एपिक या काव्य के रूप में इनका, इनको ढालने के पहले, इनको बनाने के पहले, इनको मोल्ड करने के पहले ये पहले से मौजूद थी, और ये लोक स्मृति में बहुत ताजी ताजा कहानियां हैं, ये इनका मानना है, और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। सवाल आता है कि जो, यानी तो पद्मावत जायसी के पहले ये कहानियां चल रही थी और जायसी ने उनको कलेक्ट करके उनको एक एस्टैब्लिश रूप दे दिया है ना। तो अब सवाल ये होता है कि उन्होंने कौन सी वर्जन को डोमिनेंट वर्जन बनाया, ये है। क्योंकि मैं जब गया था उस रीजन में उदयपुर, और वहां मुझे कहा गया कि एक वर्जन में कहा जाता है कि ये पद्मिनी जो हैं उनका जौहर नहीं हुआ था, शी एस्केप्ड, और एक पूरी जनजाति है जो कहते हैं कि उनकी वो वंशज है,
हालांकि उनकी स्थिति बहुत खराब है, जो मैंने हरा साहब बता सकते हैं, लेकिन यू नो ऑलमोस्ट दे आर कंसिडर्ड, यू नो मैं कहूँ तो सेक्स वर्कर्स, लेकिन वो कहते हैं हम पद्मिनी के वंशज हैं, और वो आगरा उस एरिया में वो मौजूद हैं वो लोग, तो हरा साहब बता सकते हैं। सो वन क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट फ्रॉम द मेनी वर्जन्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी विच इज रिपीटेड, लाइक इवन पृथ्वीराज रासो, यू नो द बार्डिक, यू नो द प्लेथोरा ऑफ बार्डिक वर्जन, हाउ डज वन वर्जन गेट एस्टैब्लिश? तो चयन की क्या प्रक्रिया है, ये एक मेरे मन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्योंकि एक बार एस्टैब्लिश हो जाती है फिर वही चीज दोहराई जाती है, और फिर दूसरी जो वर्जन है उसकी वो सबॉल्टर्न वर्जन है। तो ये हड़ा साहब का काम इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि ये सारी सबॉल्टर्न वर्जन्स हैं, उनको आप इसका आकलन करके, संकलन करके, और इसका आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं क्या क्या कहते हैं, इसका विवेचनात्मक ये शोध करेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और उसमें एक एंथोलॉजी भी होगी। और इन्होंने अच्छा, और वन लास्ट थिंग आई वॉन्टेड टू कम अप विथ, कि सवाल ये होता है कि एक बीज होती है ना, कथा की एक बीज होती है, और इस उस बीज को विकसित किया जाता है अनेक तरीके से, तो क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बीजेस हैं? जैसे एक जैसे जैन रामायण है, एक जैन रामायण है जिसमें राम और सीता बहन भाई है, और एक दूसरा रामायण है जिसमें सीता रावण की पुत्री है, और इसलिए उनपे कोई दुष्कर्म नहीं किया जाता है अशोक वाटिका पे। और तो ये कहानियाँ, यू सी दीज आर कंपीटिंग, मतलब बीज जो तत्व होते हैं कहानी की, जी जो बीज है उसी में विविधता है ना? तो अब जब हम हिस्ट्री वर्सेस मिथक, ये हमारे यहाँ इतिहास कहिए, मिथक कहिए, फोकलोर कहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है भारत के एपिस्टेमोलॉजी में। हमारे हितेंद्र जी कुछ इसके बारे में ज़रूर कहेंगे कि ये एक कंपीटिंग वेज ऑफ एक्सेसिंग द पास्ट है, और वेस्ट में भी कई दशकों से, 3-4 दशकों से मेमोरी स्टडीज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिस्ट्री के अलावा हाउ एल्स डू वी एक्सेस आवर पास्ट? तो ये सिस्टम्स ऑफ मेमोरियलाइजेशन, दिस हैज बिकम मोन्यूमेंटलाइजेशन, मेमोरियलाइजेशन, इस पे बहुत शोध कार्य हो चुका है। तो हमारे यहाँ भी पास्ट को, अतीत को एक्सेस करने के अनेक तरीके हैं, और एक जो है कल्चरल मेमोरी है, फोक मेमोरी है, और यही पहले भी हम कह चुके हैं, एक पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप उस इलाके में जाएंगे तो यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट पद्मावती, इट विल गो अगेंस्ट द पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न तरीके से आप जो मर्जी कहें, यू नो के वाई शुड शी डाई, वाई शुड अ वुमन नॉट एक्सरसाइज अ फ्रीडम, ये वो। तो आई विल एंड हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हाई इज दिस वर्क सो इम्पॉर्टेंट? द वर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स वैलिडिटी, क्रीडेंस, सेलियंस एंड लेजिटिमेशन टू एन ऑल्टरनेट, इवन सबॉल्टर्न वे ऑफ एक्सेसिंग द पास्ट अदर देन द डोमिनेंट वे, द डोमिनेंट एपिस्टेमोलॉजी विच इज हिस्ट्री। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आई विल हैंड इट ओवर टू दाताराम जी, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से दिस प्रोजेक्ट हैज सो मेनी पॉसिबिलिटीज, आई ओनली स्पोक ऑफ वन, बट इट इज रेप्लीट विथ लिटररी पॉसिबिलिटीज, एस्थेटिक पॉसिबिलिटीज, यू नो एंड पोलिटिकल पॉसिबिलिटीज एज वेल। आई वुड से फेमिनिज्म कई इसमें है, पहलू हैं, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रेजेंटेशन बाय प्रोफेसर माधव हाड़ा जी। थैंक यू, आई एम म्यूटिंग माई माइक नाउ। थैंक यू। Thank you, Professor Paranjape. You have already introduced the subject so exhaustively. Now I have very little to speak about the subject as an introduction. I'll just introduce Professor Madhav Hada. He's a literary critic and academician. He has written extensively on literature, media, culture, and history. His much acclaimed work is Panchranga Chola Pehar Sakhiri,
which is focused on medieval Bhakt poetess Mirabai's life and society. He has also written a book on a great scholar of Oriental studies, Muni Jinwinjay, which has been published by Sahitya Academy in its Makers of India Literature series. He has compiled anthologies of Mirabai's poetry entitled Meera Rachana Sanchayam, 2017, and analytical essays on non-fictional prose in Hindi entitled Katheka for Sahitya Academy once again. His other major published works include Sidhya Chorta Media, Media Sahitya or Sanskriti, Kavita Ka Pura Drishya, Tani Hui Rassi Par. Besides this, he has published more than 100 papers, monographs, reviews, etc. in various journals and of repute. He is the recipient of Bharatendu Harishchandra Puraskar for Media Studies and Devaraj Upadhyay Puraskar for Literary Criticism. He has been a member of the General Council and Hindi Advisory Committee of Sahitya Academy. He has been associated with the Higher Education Services of Government of Rajasthan for more than 30 years and has retired as a professor and head department of Hindi, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. Now his presentation is not only an elaborate discussion and discourse on the folklore available on Padmini literature, but also an exposition of the difference between the approach and methodology of the Western historians and the Indian historians. His book, what is the name of the book, which has been published in English? Meera versus. His book, Meera versus Meera, has recently been published and has been translated and published. And when is it released? In September. In September, the book will be released. So we have a very great scholar before you. Now over to Professor Hada. आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन. सम्माननीय निदेशक प्रोफेसर परांजपे साहब, मैं उनके ज्ञान के दायरे से हमेशा चकित रहता हूँ. मुझे स्मरण है उन्होंने अपने डीएनए कॉलम में इस प्रसंग की भी विस्तार से चर्चा की थी कभी, और साक्षात्कार के दौरान भी मुझसे बहुत सारी विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई. हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष नाट्य शास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर दाताराम जी पुरोहित और मित्रों, एक तो मैं प्रस्तुति थोड़ी लंबी है इसलिए माननीय निदेशक जी से अनुरोध करूंगा कि यदि एक्सटेंशन संभव हो तो वो पहले से व्यवस्था करें. लगभग 3 अध्यायों के 100 प्रश्नों को मैंने लगभग 19 पेज में समराइज किया है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये आपकी दिलचस्पी का विषय है और आपको इसमें आनंद भी आएगा. 2-3 छोटे बातें हैं जो प्रस्तुति से पूर्व करना है, मुझे मूव कर देता हूँ. सबसे पहले मैं अपने इतिहासकार मित्रों से क्षमा याचना करता हूँ, इसलिए कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ. प्राचीन भारतीय साहित्य और मध्यकालीन भारतीय साहित्य की एक खास बात यह है कि उसमें साहित्य और इतिहास की आवाजाही बहुत है, बल्कि यूं कहना चाहिए साहित्य और इतिहास में अंतरावलंबन बहुत है, आदान प्रदान बहुत है. इसलिए बिना इतिहास पर बात किए हुए काम नहीं चलेगा, तो आप मुझे ये अनुमति दें कि मैं थोड़ी बातें इतिहास पर भी करूं. एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल होगा वो है मेवाड़, उसका थोड़ा सा परिचय मैं पहले दे देता हूँ. दरअसल ये मध्यकालीन भौगोलिक सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई है और एक ऐसा समय था जब उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था. अकबर की विजय के बाद उसकी राजधानी उदयपुर हुई, लेकिन उससे पहले चित्तौड़गढ़ उसकी राजधानी थी. मेवाड़ राजवंश अपना संबंध राम के दूसरे पुत्र से जोड़ता है, एक परंपरा है, पूरी वंशावली जोड़ते हैं. मैं इसकी ऐतिहासिकता पर कोई बात नहीं कर रहा, ऐसा माना जाता है. मेवाड़ राजवंश का एक संबंध नेपाल से भी है. रत्नसेन, जो आज की हमारे प्रस्तुति का विषय है, उसका एक भाई नेपाल गया, जो राजवंश नेपाल में है उसी से संबंधित है.
इसी तरह एक भाई बाद में महाराष्ट्र गया और छत्रपति शिवाजी का वंश। उसकी सीमाएं हमेशा बदलती रही है मेवाड़ की, ये ध्यान रखिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ आया था तब भी मेरे मन में ये संकल्प था, विश्वास था, जनश्रुतियां उखाणे आप कहावतें मुहावरे और यहाँ तक कि मिथ मीरा पर काम करते हुए भी और बाद में भी, इन सब के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत तेजी से बढ़ा। उसका कारण ये है कि ये हमारे समाज की, हमारे अपने समाज की भाषा भी है, सांस्कृतिक भाषा भी है। बिना इनको समझे, बिना इनको जाने, बिना इनको सहानुभूति पूर्वक जाने, हम अपने समाज को, अपने साहित्य को, अपने इतिहास को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते। प्रस्तुति मैं चाहता था कि मतलब आपको दो तीन भागों में ये बातें बताई जाए, लेकिन मित्रों का आग्रह है कि मुख्य रूप से मैं आपको श्रोतों का परिचय दूं। तो खास बात वो की है, और जो पहला अध्याय है उसका सार संक्षेप, और जो अंतिम अध्याय है, तीसरा अध्याय है उसका सार संक्षेप मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको अच्छी लगेगी, और मैं चाहूंगा कि बाद में इस विषय पर बातचीत भी हो। पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण को आधार बनाकर अपभ्रंश और देश भाषाओं में लिखे गए कथा काव्यों में से जायसी के पद्मावत को छोड़कर शेष सभी कथा काव्य ऐतिहासिक कथा काव्य की प्राचीन भारतीय परंपरा का स्वाभाविक देशज विकास है। कथा नहीं है केवल, मैंने कहा है ऐतिहासिक कथा का। केवल जायसी का पद्मावत इनसे अलग है, ये इस प्रकरण का सूफी धार्मिक रूपांतरण है। यूरोपीय और उनके अनुवर्ती कुछ आधुनिक भारतीय इतिहासकारों की धारणा यह है कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लेखन में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। एक तो उनके अनुसार वे देवी शक्तियों के समक्ष अपने को नगण्य समझते थे और नगण्यता का कभी कोई इतिहास नहीं होता, और दूसरे पारलौकिक के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें जागतिक जीवन से विमुख कर दिया, और तीसरे इतिहास की बुनियादी जरूरत कालबोध उनकी चेतना का हिस्सा नहीं है। यूरोपीय इतिहासकारों को अपने ग्रीक और रोमन पूर्वजों के स्मृति के रख रखाव की पद्धति और ढंग पर बहुत गर्व। मार्क ब्लॉक ने तो यहां तक लिख दिया कि ईसाइयत तो इतिहासकारों का धर्म। विडंबना यह है कि इतिहास की यह ग्रीक रोमन ईसाई पद्धति सार्वभौमिक आदर्श और मानक बन गई। विडंबना यह भी है कि अधिकांश आधुनिक भारतीय विद्वान यही आदर्श और मानक लेकर अपनी विरासत की पहचान करने निकल पड़े, और उन्होंने यूरोपीय विद्वानों की तरह अपने पूर्वजों की स्मृति के रख रखाव के ढंग को बेतुका और अपरिष्कृत मान लिया। ऋग्वेदिक काल से ही अपनी खास सामाजिक सांस्कृतिक जरूरत के तहत बनी बढ़ी स्मृति के संरक्षण की एक भारतीय परंपरा है। आरंभ में इसका विकास नाराशंशी, गाथा, आख्यान, पुराण, इतिहास, कथा आदि के रूप में हुआ, और 10वीं सदी के आसपास इसके समानांतर क्षेत्रीय जरूरतों के तहत इसका प्राकृत और अपभ्रंश और परवर्ती देश भाषाओं में रास रासो चरित ख्यात बही पाठनामा आदि में रूपांतरण भी शुरू हुआ। विडंबना यह कि आधुनिक बोध आधुनिक होने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में ये परंपरा अनदेखी रह गई। ये परंपरा भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार बनी, इसलिए यूरोपीय ग्रीक रोमन परंपरा से अलग थी। एक तो इसमें स्मृति के दस्तावेजी ठहराव के बजाय उसको निरंतर और जीवंत रखने का आग्रह था, और दूसरे इसमें अतीत के यथार्थ का अमूर्तन इस तरह था कि ये वर्तमान में प्रासंगिक और उपयोगी बना रहे। ये सही है कि इसमें इतिहास के युक्ति युक्तता, कार्यकारण संबंध, तथ्य पर निर्भरता, प्रत्यक्ष अनुभव आदि उस तरह से नहीं थे जिस तरह से कथित यूरोपीय आधुनिक इतिहास में होते, लेकिन आदर्श इतिहास के लिए इन सभी की अनिवार्य अर्थता तो कुछ समझदार आधुनिक यूरोपीय इतिहासकार भी नहीं मानते। इतिहास शास्त्री ईएचकार का ही कहना है कि तथ्य और दस्तावेज निश्चय ही इतिहासकार के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन वे उसके लिए अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते, और न ही इतिहास क्या है जैसे थका देने वाले प्रश्न के वे बने बनाए उत्तर होते हैं।
और ये भी कि यथा तथ्य होना इतिहासकार का दायित्व है, गुण नहीं। यूरोपीय इतिहासकार और उनके अनुवर्ती इतिहास अनुवर्ती उत्साही आधुनिक भारतीय विद्वान ये बात नहीं समझ पाए, लेकिन ऐतिहासिक कथा काव्य की भारतीय परंपरा को देख समझ कर लगता है कि हमारे पूर्वज ये बात बहुत पहले से जानते समझते थे और उन्होंने इस पर अमल भी खूब अच्छी तरह से किया। हर समाज अपने जीवन दर्शन, विचारधारा और वर्गीय हित संबंध और सामाजिक सांस्कृतिक जरूरत के आधार पर अपने खास इतिहास रूप गढ़ता है। भारतीय इतिहास परंपरा को इसीलिए यूरोपीय इतिहास के मानकों के बजाय अपने समय, संदर्भ, उद्देश्य और विचार में ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये धारणा कुछ हद तक सही है कि भारतीय चेतना में जागतिक का बहुत आग्रह नहीं और उसमें कालबोध भी अलग तरह का है, लेकिन ये मानना गलत है कि इस कारण ये इतिहास सचेत नहीं। भारतीयों के पारलौकिकता के आग्रह को जिस तरह से यूरोप में प्रचारित किया गया सर्वथा वैसा भी नहीं। पारलौकिकता के साथ भारतीय चेतना में जीवन और जगत का आग्रह भी बहुत निरंतर और सघन है। ये अलग बात है कि इतिहास की उसकी चेतना और बोध ने अपने दर्शन और संस्कृति के अनुसार अलग रूप ग्रहण किया। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के संबंध में खास बात यह है कि वे अतीत से वही चुनते हैं जो उपयोगी और प्रासंगिक है। अतीत का संपूर्ण और निरंतर विवरण उनके हिसाब से इतिहास नहीं। अतीत का वो क्षण जो वर्तमान और भविष्य में प्रासंगिक है, वे केवल उसकी पुनर्रचना करते हैं। इतिवृत्तों, प्रबंधों, आख्यानों में इसीलिए शासकों के संपूर्ण और निरंतर विवरण नहीं है। उनके जीवन की कोई एक घटना या एक चरण है। बाण के हर चरित्र को आधुनिक संस्कार वाले इतिहासकारों ने अपूर्ण घोषित कर दिया, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि रचनाकार के लिए हर्ष का इतना ही जीवन अपनी रचना के लिए अपेक्षित था। आधुनिक इतिहासकारों का आग्रह यथार्थ और आधुनिक आनुभविक का है, उनका जोर प्रत्यक्ष पर है, पर भारतीय इतिहासकारों का नजरिया इससे अलग है। उनका जोर अतीत के आदर्शीकरण पर है। आधुनिक इतिहासकारों को इसीलिए भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण अतिकल्पित और बेतुके लगते हैं। मध्यकाल में शौर्य, पराक्रम, स्वामी धर्म जैसे मूल्य शासकों के अस्तित्व और जनसाधारण में उनकी मान्यता के लिए जरूरी थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इनको ध्यान में रखकर अतीत का आदर्शीकरण किया। प्राचीन और मध्यकालीन आख्यानों, इतिवृत्तों में इसीलिए इतिहासकारों ने इन मूल्यों के लिए लड़ने मरने वाले वीर नायकों की प्रतिष्ठा की। प्राचीन और मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों के संबंध में एक खास बात यह है कि ये अधिकांश अपने लक्ष्य, समकालीन श्रोता पाठक की रुचि और आग्रह के अनुसार किसी खास सांचे और शैली में। ये इतिहास के केवल निरस विवरण नहीं, इन्हें खास उद्देश्य और आग्रह के साथ एक निर्धारित प्रारूप में ढाला गया है। प्राचीन इतिवृत्तों में शासकों के जीवन का एक आदर्श क्रम, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, और ये उस समय के प्रचलित दर्शन और विचारधारा के अनुसार। मध्यकाल में विकसित इतिहास रूपों, प्रबंध, रासो, ख्यात, पाठनामा, चरित आदि की भी वर्णन और कथानक की रूढ़ियां बन गई, जिनका निर्वाह कवि लेखक होने के लिए अर्हता थी। रासो ग्रंथों में युद्ध, ऋतु, नगर, उद्यान आदि का वर्णन भी रूढ़ियों के अनुसार है। वस्तु कथानक शैली के मध्यकाल में प्रचलित कवि कथा समयों को जाने समझे बिना इन ग्रंथों को अनैतिहासिक और कल्पित मान लिया गया। रासो ग्रंथों की ऐतिहासिकता पर आधुनिक काल के आरंभ में लंबी बहस हुई और इनके संरचनात्मक ढांचे को साथ जाने समझे बिना ही आधुनिक इतिहासकारों और विद्वानों ने इनको इतिहास के दायरे से बाहर कर दिया। प्राचीन भारतीय इतिहासकार केवल इतिहासकार नहीं, वे कवि इतिहासकार। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा हमेशा दरबारी कविता से संबद्ध रही। तथ्यों पर निर्भरता के साथ भारतीय इतिहासकारों का आग्रह उनको कविता में रचना बांधना भी। वे इसीलिए रचना में तथ्यों का नियोजन तो करते हैं, लेकिन उनके विवरणों में बहुत दूर तक नहीं जाते। विवरणों के स्थान पर वे अपनी विवरणों का स्थान वे अक्सर अपनी कल्पना से भरते हैं। कई बार तथ्यों की भूमिका उनकी कल्पना को उकसाने तक सीमित रहती।
भारतीय कवि इतिहासकार के कवि स्वभाव के संबंध में एक खास बात और है जिसकी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ध्यान आकृष्ट किया। उनके अनुसार कवि इतिहासकार कई बार यथार्थ के बजाय उसकी संभावना पर अधिक ध्यान देने लगता है। वे लिखते हैं कि राजा के शत्रु होते हैं, युद्ध होता है, और भी तो हो सकते हैं। कवि संभावना को देखेगा। राजा के एकाधिक विवाह होते थे, ये तथ्य विवाहों की संभावना उत्पन्न करता है। जल क्रीड़ा और वन विहार की संभावना की ओर संकेत करता है और कवि को अपनी कल्पना के पंख खोलने के अवसर देता है। मध्यकालीन ऐतिहासिक कथा काव्यों में ऐसी संभावनाओं की भरमार है। दर्शन और विचारधारा भी प्राचीन भारतीय इतिहासकार के नजरियों को प्रभावित करता है और ये बहुत स्वाभाविक है। कर्म फल में विश्वास के कारण वह अपने चरित्रों के दुर्भाग्य और सौभाग्य को तयशुदा दिशा में ले जाता है और इस कारण घटनाएं इसमें कई बार अपनी सहज गति से परिचालित नहीं होती। इसी तरह मनुष्य की अपार शक्ति और सामर्थ्य में उसका भरोसा भी उसके चरित्र नायकों को कई बार अतिमानवीय बना देता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में इसीलिए पौराणिक अतिमानवीय तत्वों की भरमार मिलती है। दर्शन और विचारधाराएं केवल भारतीय कवि इतिहासकार को प्रभावित प्रेरित करती हो ऐसा नहीं है, ये कमोबेश सभी जाति समाजों में होता है। भारतीय इतिहास के मुस्लिम वृत्तांतकारों पर इस्लाम के दर्शन और विचारधारा का गहरा प्रभाव है और उन्होंने हर छोटा विवरण इसके प्रभाव में लिखा है। आधुनिक इतिहासकार भी इससे सर्वथा प्रभावित हैं, ये मानना गलत होगा। हमारे समय में पौराणिक तत्वों से तो इतिहास ने अपने को कुछ हद तक अलगा लिया, लेकिन अब विचारधाराएं और विमर्श उस पर काबिज हो गए और इनका बहुत गहरा मुखर और पारदर्शी प्रभाव उस पर कई बार बहुत साफ। इतिहास अतीत के यथार्थ का अमूर्तन। इतिहास लेखन की यूरोपीय पद्धति में वस्तुनिष्ठता और प्रत्यक्षवाद पर निर्भरता का आग्रह इतना बड़ा कि यह भुला ही दिया गया कि इतिहास में इतिहासकार के व्यक्ति की भी निर्णायक भूमिका होती। ये तो इतिहासकार ने ही कह दिया था कि इतिहास के तथ्य कभी हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलते, क्योंकि शुद्ध रूप में वह न कभी रहते हैं न कभी रह सकते, वे हमेशा लेखक के मस्तिष्क में रंग कराते। ये यथार्थ का एक तरह से अमूर्तन है, लेकिन ये इतिहास की नियति भी है। विडंबना यह है कि पूर्व आधुनिक भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेजों को इस निगाह से पढ़ा समझा ही नहीं गया। यूरोपीय इतिहासकारों की मनोरचना को आधार बनाकर निकाले गए निष्कर्षों को भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेजों पर लागू कर दिया गया, जबकि पूर्व आधुनिक भारतीय इतिहासकारों की धार्मिक सांस्कृतिक मनोरचना उनसे बहुत अलग थी। इतिहास में काल और स्थान को लेकर उनकी दार्शनिक और आध्यात्मिक धारणाएं और विश्वास अलग थे। उन्होंने अतीत के यथार्थ का अमूर्तन भी तदनुसार किया। गाथाएं, आख्यान आदि भारतीय इतिहास के ऐसे रूप है जिनमें इतिहास की आर की अपनी विचारधारा और मनोरचना की महत्वपूर्ण भूमिका। हर्षचरित के बाण, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंगाचार्य और घोरा बादल चौपाई के हेमरत्न की मनोदशा और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी, जो आधुनिक इतिहासकारों ने नहीं किया। भारत में कथा की स्वायत्त परंपरा है, लेकिन इतिहास को कथा रूप देकर ऐतिहासिक कथा काव्य की रचना की भी यह लंबी और समृद्ध परंपरा। भारतीय कथा परंपरा की शुरुआत ही ऋग्वेद में ऐतिहासिक कथाओं से हुई। भारतीय मनीषा और चित्त जो अतीत है या जो बीत गया है उसको यथार्थ की रचने तरह रचने का दावा नहीं करता। वह ये जानता है कि अतीत मतलब जो घट गया उसको उसका बाद में दिया गया कोई विवरण प्रत्यक्ष और आनुभविक होने पर भी यथार्थ नहीं हो सकता। यथार्थ का ऐसा विवरण लेखक के आग्रह, रुचि, विचार और समझ, प्रयोजन, विवेक आदि से प्रभावित होकर बदल ही जाएगा। ऐसा कोई भी अतीत का विवरण हर हाल में यथार्थ नहीं, यथार्थ की पुनर्रचना ही होगा और ये पुनर्रचना कथा के आसपास ही होगी। नाम संज्ञाओं और तिथियों को छोड़कर इतिहास में जो होता है वो कमोबेश कथा जैसा ही होता है। कुछ हद तक जायसी भारती चित्त और मनीषा के इस नजरिए को बेहतर समझती थी। उन्होंने पद्मावत के अंत में इसी लेख के लिए लिखा, कोई न रहा जग रही कहानी। भारतीय परंपरा में इसीलिए आरंभ से ही इतिहास और कथा की एक दूसरे में आवाजाही निरंतर और सघन, इनको एक दूसरे से अलग करके स्वायत्त ढंग से समझाई नहीं जा सकता,
पश्चिम में भी ये दोनों सर्वथा अलग अनुशासन है और इन दोनों की अलग परंपरा है, ऐसा नहीं। कथा शब्द का प्रयोग इस कारण भारतीय वाङ्मय में व्यापक अर्थ में हुआ है और लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर बदलता भी रहा। यहाँ सभी प्रकार के ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक चरित्र काव्यों को कथा कहा जाता था। तुलसीदास ने एकाधिक बार रामचरितमानस को कथा कहा। इसी तरह विद्यापति ने अपनी रचना जो ऐतिहासिक रचना है कीर्तिलता को कहानी कहा। प्राचीन साहित्य में कथा का उपयोग एक तो कहानी के अर्थ में, दूसरे अलंकृत काव्य रूप के अर्थ में होता आया। स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में कथा का अर्थ केवल कल्पित कहानी नहीं, आख्यान, आख्यायिका, वंश, वंशानुचरित आदि ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं भी इसमें कथा की श्रेणी में रखी जाती है। ये विडंबना है कि इतिहास के औपनिवेशिक संस्कार और शिक्षा के कारण हम अपने ऐतिहासिक कथा ग्रंथों को केवल कथा मानकर इतिहास के दायरे से बाहर कर देते। कुछ समय पहले फिल्म पद्मावत पर हुए विवाद के दौरान अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों, विद्वानों ने रत्नसेन पद्मिनी प्रकरण पर जितनी रचनाएं हुई उनको इतिहास कथा मानकर खारिज कर। दरअसल इतिहासकार मनुष्य, क्षमा कीजिए, उस पर अपने समय और समाज की छाप नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? वह अपने समय की प्रथाओं, अभिसमयों, विचारधाराओं, धार्मिक सांप्रदायिक आग्रहों आदि से पूरी तरह अलग बाहर रहेगा, ये संभव ही नहीं। ये केवल भारतीय नहीं, सभी समयों और समाजों के इतिहास के साथ होता है। ये समझा जाना चाहिए कि असल इतिहास की पहचान और खोज इन्हीं प्रभावों और प्रेरणाओं के बीच में होगी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक सामग्री को कल्पित, अतिमानवीय, पौराणिक, कार्यकारण संबंध विहीन आदि की तोहमत लगाकर खारिज करने की बजाय उसकी सही पहचान और समझ भी सभी तरह के प्रभावों और प्रेरणाओं के बीच से गुजर कर ही बनाई जानी चाहिए। अब मैं अपने आधारभूत स्रोतों का परिचय देता हूँ जो इस परंपरा के अंतर्गत आते। पद्मिनी रत्नसेन और गोरा बादल प्रकरण पर आधारित देशज ऐतिहासिक कथा काव्य की 16वीं से 19वीं सदी तक विस्तृत दीर्घकालीन परंपरा। गोरा बादल कवित्त 1588 से पूर्व, हेमरतन गोरा बादल पद्मिनी चौपाई 1588 ईस्वी, अज्ञात कविकृत पद्मिनी समय 1616, जटमल नाहर कृत बादल गोरा बादल कथा 1623, लब्धोग्रदेकृत पद्मिनी चरित्र चौपाई 1649, दयाल दास कृत राणा रासो 1668 1681, दलपति विजयकृत कुमार रासो 1715-1733 और चित्तौड़ उदयपुर पाठनामा प्रतिलिपि 1870 इस परंपरा की अब तक उपलब्ध और ज्ञात रचनाएं। इनमें से रासो और पाठनामा रचनाओं को छोड़कर शेष सभी चार रचनाएं इस प्रकरण पर स्वतंत्र रचनाएं, जबकि रासो और पाटनामा में ये प्रकरण मेवाड़ राजवंश से संबंधित विस्तृत ऐतिहासिक कथा काव्य का एक प्रकरण या अंश। पद्मिनी रत्नसेन और गोरा बादल का कथा भी सदियों से राजस्थान के लोक जीवन में विद्यमान था और कवि कथाकारों ने इसके आधार पर ही अपनी रचनाएं की। हेमरतन ने कहा भी है, सुनेऊ तिसऊ भाष्यऊ संबंधी, अर्थात मैंने जैसा सुना वैसा ही संबंध कहा। लब्धोदय ने भी कहा है, कहसुं कवित्त कल्लोल सो पूर्व कथा संपेक, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक मुझे पूर्व कथा को देखकर कहूं। हेमरत्न ने आगे और लिखा कि केलव स्यू साची कथा कहानी न आवई कहा, अर्थात मैं सच्ची कथित कथा कहूंगा, इसमें कोई असत्य नहीं होगा। इन रचनाओं में से तीन रचनाएं जैन यतियों, हेमरत्न, लब्धोदय, दलपति विजय की। जैन यति जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं हिंदुओं के यहाँ, जैनियों के यहाँ जो ब्राह्म कर्म कांड करता है उसको यति कहते हैं। जैन यति धार्मिक कर्म कांड के साथ प्राचीन साहित्य का संरक्षण और नए साहित्य की रचना भी करते थे। वे कथाओं का उपयोग अपने धार्मिक प्रवचनों और उपदेशों को रोचक बनाने के लिए करते। इन तीनों रचनाओं के संबंध में खास बात यह है कि इनमें कथा का जैन धार्मिक रूपांतरण नहीं। यहाँ रचनाकारों का उद्देश्य स्वामी धर्म और सतीत्व का आदर्श प्रस्तुत करने के साथ मनोरंजन। हेमरतन और लब्धोदय तो सीधे मेवाड़ राजवंश से संबंधित प्रभावशाली जैन श्रावकों के आग्रह पर इनकी रचना में प्रवृत्त हुई। हेमरतन ने चौपाई की रचना
राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र के सहादड़ी कस्बे के तत्कालीन अधिकारी ताराचंद आग्रह के आग्रह पर की। ताराचंद मेवाड़ के तत्कालीन शासक महाराणा प्रताप के विश्वस्त सहयोगी भामाशाह का भाई था। लब्धोदय ने चौपाई की रचना महाराणा जगत सिंह की माता जम्बुवती के कार्यवाहक प्रधान हंसराज और उसके छोटे भाई भागचंद के अनुरोध पर की, इसीलिए उसकी कथा उक्त तीनों से कुछ हद तक अलग है। शेष तीनों रचनाएं पद्मिनी समी और राणा रासो और चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा चारण रचनाएं हैं और इनका प्रयोजन वंश और उससे संबंधित विख्यात घटनाओं का वर्णन। पाटनामा बहुत लोकप्रिय कथा रूप नहीं था। चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा अब तक उपलब्ध अपनी तरह की अकेली रचना। इसमें कथागत नवाचार और रोचकता सबसे अधिक है और इसका गद्य भी बहुत असरदार। इसकी भाषा 16वीं सदी और उसके बाद की भाषा है जो अपभ्रंश के बाद के का बाद काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई, जिसे जैन यति मुनि और चारण कवि कुछ शैली भेद के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। जटमल नार की भाषा पर खड़ी बोली का प्रभाव है, जबकि पाटनामा की भाषा स्थानिक मेवाड़ी। 1540 में पद्मावत की रचना की जायसी ने, जो देशज कथा काव्यों से सर्वथा अलग है और यह इस कथा बीज का सूफी धार्मिक रूपांतरण और पल्लवन। इन सभी रचनाओं के संबंध में एक खास बात यह भी है कि इनमें कोई धार्मिक आग्रह नहीं। खुसरो आदि मुसलमान वृत्तांतकारों और जायसी के लिए चित्तौड़ पर विजय इस्लाम की विजय। जायसी कहता है, चितूर भा इस्लाम अंत में। किसी देशज रचनाकार ने रत्नसेन की विजय को हिंदू विजय नहीं कहा। अब क्रमशः मैं एक एक करके इन रचनाओं का परिचय दूं। अज्ञात कविकृत गोला गोरा बादल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है और सबसे पुरानी रचना है, यद्यपि इसमें इसके रचना का समय और इसके रचनाकार का उल्लेख नहीं। अज्ञात कविकृत गोरा बादल कवित्व पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण पर आधारित स्वतंत्र रचना। परवर्ती रचनाओं में आए इसके उद्धरणों और इसकी भाषा शैली के आधार पर इसको जायसी से पहले की रचना कहा जा सकता है। सभी ने इसको उद्धृत किया जायसी को छोड़कर। यह 82 छंदों की लघुकाय रचना है जो प्राचीन साहित्य के विद्वान अध्येता स्वर्गीय अगरचंद नाटक के व्यक्तिगत संग्रह में उपलब्ध। इस रचना में कोई पुष्पिका लेख नहीं है जहां नाम और रचना का समय का उल्लेख किया जाता है, और रचनाकार में बीच में भी कहीं अपना नाम उल्लेख नहीं किया। खास बात यह कि इस रचना के कुछ छंदों को पद्मिनी गोरा बादल पर प्रकरण पर काव्य रचना करने वाले हेमरतन 1588, लब्धोदय 1649। अगर 1588 को आप सबसे पुराना मांगे तो ये 1588 से पहले की रचना। दलपति विजय 1715-1733 ने अपनी रचनाओं में उद्धृत किया। कवित्व को उद्धृत करते समय आगे के रचनाकारों ने इसने कुछ फेर बदल भी किए। इस आधार पर इस रचना को जायसी की पद्मावत 1540 ईस्वी से पुराना माना जा सकता। इतिहासकार दशरथ शर्मा और विख्यात पुरातत्वविद मुनि जिन विजय की धारणा भी यही है। दशरथ शर्मा के अनुसार भाषा और शैली की दृष्टि से यह रचना पद्मावत से कुछ अर्वाचीन प्रतीत नहीं होती। गोरा बादल विषय आवाज नहीं आ रही है सर की। बिजली नहीं है, बिजली चली गई थी। बिजली चली यार, आवाज तो यहाँ भी नहीं आ रही। हाँ, कनेक्शन अब कट गया लगता है। अब ठीक है, अब शायद आ जाए। बैंडविड्थ स्लो बता रहा है। जाएगा मिनट का बीच में एक स्थान पर उल्लेख है कि हेतम दान कवि मल्ल बनी उधर कर माल पखाली। इस पंक्ति के आधार पर कवि मल्ल को इसका रचनाकार माना जा सकता है और कुछ आरंभिक विद्वान ये करते भी रहे। यही पंक्ति कुछ फेर बदल के साथ हेम रतन कृत गोरा बादल पद्मणी चौपाई में भी आती। इसी आधार पर लगता है कि यह इसके रचनाकार का नाम नहीं। अक्सर रचनाओं में इस तरह के नामोल्लेख आरंभ या अंत में आते हैं, जबकि यह रचना यह नाम इस रचना के बीच में।
कवित्त कवित्त की कथा बहुत संक्षिप्त और सरल, इसमें कोई खास मोड़ पड़ाव नहीं। राजा रत्नसेन इसमें गुहिलोत एवं घोरा बादल चौहान है। घोरा की उम्र इसमें 23 वर्ष है। राघव इसमें एक परदेशी ब्राह्मण है और राजा के अत्यंत निकट। खेल में एक दिन हार जाने के बाद वह राजा को इसका दंड देने से मना करता है। राजा इससे क्रोधित होकर उसे देश निकाला देता है। नाराज राघव दिल्ली जाकर अलाउद्दीन को प्रभावित करता है और पद्मिनी पाने के लिए उसको चित्तौड़ पर चढ़ा लाता है। कवित्त की खास बात यह है कि इसमें बादल ही पद्मिनी का रूप धारण कर पालकी में अलाउद्दीन के पास जाता है। हेमरतन कत गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, जटमल नार कत गोरा बादल कथा और लब्धोदय कृत पद्मिनी चरित्र चौपाई में रचना के कवि, समय और स्थान का उल्लेख। हेमरतन कत गोरा बादल पद्मिनी चौपाई की प्रशस्ति में उल्लेख है कि संवत 1600 पणयाल श्रावण सुदी पंचमी सुविशाल ऊवी पीठी गणु परगड़ी सबलपुरी सोहई साधड़ी। हेमरतन की चौपाई राजस्थान में लिखी गई पद्मिनी विषय रचनाओं में सबसे प्राचीन। इसकी रचना जायसी की पद्मावत की रचना के 48 वर्ष बाद साधड़ी में, लेकिन यह पद्मावत से संबंधित या उसके प्रभाव से प्रभावित बिल्कुल नहीं। चौपाई की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रति विक्रम संवत 1646 की, जिसमें इसका रचना काल 1645 दिया हुआ है और यही प्रति क्षेपक अंशों के बावजूद मूल के सबसे अधिक निकट। इसकी प्रति के अलावा 1604, 1672, 1728 की प्रतियां भी मिलती। हेमरतन की ये चौपाई बहुत लोकप्रिय हुई। राजस्थान, गुजरात, मालवा, पंजाब सहित पश्चिम भारत में इसकी कई प्रतियां हुई। इसको आधार बनाकर इसके कई परिवर्तित संस्करणों की रचना हुई। लब्धोदय ने 1649 में इसे गेय रूप देकर पद्मिनी चरित्र चौपाई लिखा। इसी तरह 1703 ईस्वी में भाग विजय ने और उससे पहले संग्राम सूरी ने इसका परिवर्तित संस्करण तैयार किया। चौपाई में हेमरतन अपने संबंध में मौन, अलबत्ता उसने अपने गुरु पद्मराज वाचक और आश्रयदाता ताराचंद का उल्लेख किया। हेमरतन ने चौपाई की रचना राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र के सादड़ी कस्बे के तत्कालीन अधिकारी ताराचंद के आग्रह पर की। ताराचंद मेवाड़ के तत्कालीन शासक महाराणा प्रताप के विश्वस्त सहयोगी भामाशाह के भाई थे। हेमरतन जैन यति था, लेकिन ये रचना जैनेतर विषय वस्तु पर आधारित है। जैन यतियों की जैन विषयों के साथ जैनेतर विषयों पर भी पर्याप्त रचनाएं मिलती। इसकी भाषा और शैली पर जैन परंपरा का प्रभाव अवश्य। हेमरतन अपने समय का प्रसिद्ध और यति कवि था। उसकी चौपाई में पहले और उसकी बाद भी रचनाएं मिलती। चौपाई से पहले उसने अभय कुमार चौपाई, महीपाल चौपाई लिखी। इसके बाद उसने शीलवती कथा, राम रासो, सीता चरित, जदम्बा भावनी, शनिचर छंद आदि की रचना की। हेमचंद का रचना काल 1579 से 1616 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। उदय सिंह भटनागर ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने इसका जन्म 1554 ईस्वी और निधन 1633 ईस्वी माना है। चौपाई में महाराणा प्रताप का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी प्रगटत महाराणा प्रताप, प्रतपई दिन दिन अधिक, अर्थात धरती पर राणा प्रताप प्रकट हुए हैं। उनका दिन यशो यश दिनों दिन अधिक फैलता जाता है। जैन यतियों मुनियों में प्रसिद्ध चरित्रों और घटनाओं को आधार बनाकर इस तरह की काव्य रचना की परंपरा थी। रचना के 285 वर्ष पूर्व गठित पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण ये जनसाधारण की स्मृति में पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आता था, इसलिए प्रसिद्ध था। हेमरतन ने इसलिए इसको आधार बनाकर काव्य रचना की। हेमरतन क्योंकि राजस्थान से था, उसको प्रकरण की जानकारी जायसी की तुलना में अधिक थी, अधिक और सही थी, इसलिए उसने अपनी कथा को असल से बहुत इधर उधर नहीं होने दिया। उसकी रचना में इस कारण मोड़ पड़ाव और जटिलताएं कम है, जो जायसी के यहाँ बहुत। गोरा बादल कथा की रचना जटमल नार ने 1623 ईस्वी में पंजाब के सिम्बला या संबलका गांव में की। जटमल नाहर गोत्र का जैन श्रावक था और उसके पिता का नाम धर्म सिंह था। जटमल ने रचना का समय और अपने अपनी जाति, गांव और पिता का नाम उल्लेख कथा के अंत में किया है। जटमल ने अपने समय और अपने स्थान, अपने क्षेत्र के शासक नासिर खान के पुत्र अली खान न्याजी का भी उल्लेख किया। लिखता है, राजा जहां अली खान न्याजी, खान नासिर नंद,
जटमल नार की प्रेम विलास, प्रेम लता, भावनी, लाहौर गजल आदि रचनाएं भी। इन रचनाओं के अंतः साक्षियों के आधार पर जटमल नार को लाहौर निवासी माना जा सकता है। प्रेम लता में एक स्थान पर उल्लेख है, जहां वसे जटमल लाहौरी। आरंभ में जटमल नार और उसकी रचना के संबंध में हिंदी में कई भ्रांतियां प्रचलित थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की पत्रिका में प्रकाशित प्रति के आधार पर इस रचना को गद्य रचना मान लिया गया। बाद में पूर्णचंद नार और नरोत्तम स्वामी ने इस प्रति को अन्य प्रतियों के साथ मिलाकर यह सिद्ध किया कि जटमल नार ने पद्य में ही कथा रचना की थी। गोरा बादल के एक पाठकर्ता टीकम सिंह तोमर ने जटमल को मुसलमान और एक दूसरे पाठकर्ता अयोध्या प्रसाद शर्मा ने जाट बताया। आरंभ में विद्वानों को गोरा बादल की प्रति गोरा बादल कथा की एक ही प्रति की जानकारी थी, लेकिन बाद में बीकानेर के ग्रंथागारों में इसकी एकाधिक प्रतियां मिल गई। नई उपलब्ध प्रतियों और जटमल नाहर की अन्य रचनाओं के अंतर साक्ष्यों से प्रमाणित है कि जटमल नाहर गोत्री जैन श्रावक था। दरअसल विक्रम संवत 1752 की एक प्रति में साफ साफ जटमल श्रावक कृत उल्लेख मिलता है। गोरा बादल की कथा राजस्थान से बाहर लिखी गई, इसलिए इसका कथा संगठन कुछ अलग हो गया है। लगता है कि जटमल तक घटना की जानकारियां कुछ बदल कर पहुंची होगी। उसके अनुसार चित्तौड़ का राजा रत्नसेन चौहान, जबकि वो गहलोत, वह भाट से पद्मिनी की सराहना सुनकर एक योगी के सहयोग से सिंगल द्वीप चला जाता। पद्मिनी चरित्र चौपाई जैन यति लब्धोदय की 1649 की रचना है। लब्धोदय ने 1649-50 में उदयपुर में अपने चातुर्मास के दौरान महाराणा जगत सिंह की माता के अनुरोध पर यह रचना की। लब्धोदय उसका दीक्षा नाम था। चौपाई में लब्धोदय ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया। लब्धोदय ने लगभग 40 वर्ष तक साहित्य सेवा की। उसका विहार क्षेत्र राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के गोगुंदा, उदयपुर, धुलेरा आदि कस्बे रहे, इसलिए उसकी अधिकांश रचनाएं यहीं हुई। उसने 6 बड़े रासो ग्रंथों की रचना की। उसकी छोटी रचनाएं भी एकाधिक रही होगी, लेकिन यह मिलती नहीं। उसकी उपलब्ध रचनाओं में रत्नचूड, मणिचूड चौपाई, मलय सुंदरी चौपाई, गुणावली चौपाई प्रमुख है। पद्मिनी चरित्र चौपाई लब्धोदय की पहली रचना है, जिसमें उसने गोरा बादल और पद्मिनी की पारंपरिक कथा को काव्य में ढाला। उसने रचना के अंत में लिखा है कि इति श्री शील प्रभावे पद्मिनी चरित्र ढाल भाषा बंदे। ये एक प्रकार विशेष प्रकार की गेय रचना है। गायन में इसके लिए देशी राग रागिनियों का प्रयोग हुआ। इसमें 49 ढाल और 1816 गाथाएं। ढाल और गाथा प्राचीन जैन साहित्य में प्रयुक्त होने वाले गेय कथा रूप काव्य रूप है। चौपाई सर्वथा मौलिक रचना नहीं, यह हेमरतन की चौपाई पर आधारित उसका विस्तार है। हेमरतन की चौपाई में दोहा चौपाई शैली है, जिसको लब्धोदय ने ढाल गाथा में रूपांतरित कर दिया। कथा इसमें प्राय वही है जो हेमरतन की चौपाई में है। हेमरतन की चौपाई में अध्येता उदय सिंह भटनागर का भी मत है कि लब्धोदय ने हेमरतन की रचना को एक विशेष रूप प्रदान कर पद्मिनी चरित्र नाम से विविध ढालों में डाला। रत्नसेन की पहली पत्नी का नाम उसके अनुसार प्रभावती था, जायसी इसको नागमती कहते। पद्मिनी अलाउद्दीन को सौंपने के लिए लब्धोदय ने प्रभावती के पुत्र वीरभान को उत्तरदायी माना। लब्धोदय की रत्नसेन की सिंहल प्रस्थान कथा में अतिरंजना ज्यादा है। अब तीन रचनाएं हैं जिनका परिचय देना है आपको। अज्ञात कृत कवि कृत पद्मिनी समयों, दयाल कृत राणा रसो और दलपति विजय कृत खुमान रासो मेवाड़ राजवंश से संबंधित वंश और आख्यान रचना है। इनमें पद्मिनी समयों इस प्रकरण पर आधारित स्वतंत्र रचना है, जबकि शेष में पद्मिनी रत्नसेन प्रकरण मेवाड़ राजवंश के आख्यान इतिहास में प्रसंग की तरह आया। पद्मिनी समयों पद्मिनी रत्नसेन और गोरा बादल पर आधारित एक लघुकाय रचना है। यह ऐसी रचना है जो 540 पृष्ठों की पांडुलिपि में प्राप्त हुई, जिसमें दूसरे ऐतिहासिक छंद और गीत सहित कुछ रचनाएं भी सम्मिलित। इसमें चित्तौड़ रासो नाम की एक और रचना भी सम्मिलित, जो काफी कटफट गई है। अलबत्ता पद्मिनी समयों
कमोबेश संपूर्ण। और ये इस पांडुलिपि में प्रश्न 41 से शुरू होकर 78 पर समाप्त होती। पद्मिनी समयों में कहीं भी इसके रचनाकार का नाम उल्लेख नहीं। अंत में रचनाकार रचना का समय संवत 1673 1600 ईस्वी देता है। ये उल्लेख इस तरह से है, सम्मत साल त्योत्तरे अच्छी करण अरप्या चित्तौड़ राशो का प्रकाशन शिव मृदुल के संपादन में चंद बरदाई के वंशज किशनदास रनावत की रचना के रूप में प्रकाशित हुआ। इस पांडुलिपि का प्रतिलिपिकार अमर विजय है, उसने विक्रम संवत 1806-1807 में उदयपुर में इसकी प्रतिलिपि की। उसने ये उल्लेख दो स्थानों पर किया, एक जगह वे लिखता है संवत 1806 चत्रे वद 5 शुक्रे लिखतम अमर विजय श्री उदयपुर नगरे। इसी तरह दूसरी जगह पर लिखता है लिखतम अमर विजय श्री उदयपुर नगरे संवत 1806 मार्ग शीर्ष वदी अमावस्या भों वासर। प्रतिलिपिकार ने केवल प्रतिलिपि नहीं की, उसने यथावश्यकता इसका पाठ विस्तार भी की। उसका पाठ विस्तार अतिरिक्त है और यह स्पष्ट तौर पर अलग हाशिए पर किया गया है। मैं कुछ अंश छोड़कर फिर आता हूं आगे। दयाल दास कृत राणा रासो मेवाड़ के शासक राजाओं से संबंधित वंश और प्रशस्ति प्रदान प्रबंध का ये इतिहास और कविता का मिला जुला रूप है। यद्यपि कवि ने इसको इतिहास और पृथ्वीराज रासो के समकक्ष रचना कहा है, वह कहता है चंद छंद चहुआन के बोली उपमा विशाल रान रास इतिहास को दोरे न पलत पयाल। इसमें मेवाड़ राजवंश की शुरुआत से लगाकर महाराणा अमर सिंह के देहावसान और उसके उत्तराधिकारी कर्ण सिंह के सत्तारूढ़ होने तक की घटनाओं, युद्धों, संधियों और विवाहों आदि का वर्णन। बीच बीच में पुष्पिकाओं में महाराणा जगत सिंह चरित और महाराणा जगत सिंह वंशावली आदि के प्रयोग पदों के अंत साक्ष्यों पर अनुमान किया जा सकता है कि दयाल दास ने जगत सिंह के समय इसको लिखना शुरू किया और निधन के बाद सत्तारूढ़ के समय इसको समाप्त किया। दयाल दास ब्रह्म भट्ट रावों की लाखनोत शाखा से संबंधित था। लाखनोत राव अपना संबंध पश्चिमी बंगाल से अजमेर और मारोट आकर बसे वामनादि 5 गोड़ क्षत्रिय भाइयों से जोड़ते हैं। खुम्मान रासो जैन यति दलपति विजय की 17वीं सदी के अंत या 18वीं सदी के आरंभ में हुई रचना। आरंभ में इस रचना को इसमें वर्णित खुम्मान के 9वीं सदी से संबंधित होने के कारण प्राचीन मान लिया गया। आरंभ में इस रचना को इसमें वर्णित खुम्मान के 9वीं सदी से संबंधित होने के कारण प्राचीन मान लिया गया था। ये उल्लेख लेफ्टिनेंट कर्नल टोड ने भी किया था, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल सहित सभी परवर्ती इतिहासकार इसको प्राचीन रचना मानते रहे और इस रचना को देखे समझे बिना ही ये माना जाता रहा कि इसकी रचना 9वीं सदी में खुमान के समय हुई और इसमें महाराणा प्रताप के तक के जो उल्लेख मिलते हैं वो प्रक्षिप्त हैं। दरअसल ये उपलब्ध सामग्री के आधार पर 18वीं सदी में हुई रचना है। चित्तौड़ उदयपुर पाठनामा मुख्यतः गद्य रचना, ये सबसे रोचक रचना है इस प्रकरण, लेकिन इसमें कहीं कहीं दुआ कवित्व आदि भी उद्धृत किए गए। इसमें मेवाड़ के शासकों, उनकी रानियों, संततियों, उनके समय की प्रमुख घटनाओं का विस्तृत विवरण, ये ख्यात और वंश का मिला जुला रूप। इसमें वंशावली भी है और उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का वृत्तांत भी। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित रचना है। इस ग्रंथ की रचना और प्रतिलिपि कब हुई ये ज्ञात नहीं, रचना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। मेवाड़ का पारंपरिक वंशावली लेखक परिवार कुलकरा नीमच मध्य प्रदेश में रहता है, लेकिन उसके पास कोई पाठनामो नहीं। इस ग्रंथ में मेवाड़ के आरंभ से लगाकर महाराणा शंभू सिंह तक का विवरण देखते हैं। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से पहले तक का विवरण शोध प्रचलित आख्यान और कथा कहानियां हैं। इनको लेखकों ने अपने कल्पना से रोचक रूप दिया। संभावना यह है कि महाराणा शंभू सिंह के समय कभी इसकी प्रतिलिपि हुई होगी। ये वंशावली ख्यात को पाठनामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाठवी अर्थात ज्येष्ठ और मूल ग्रंथ, और जो घर पर रहता है वंशावली लेकर अपने यजमान के यहाँ एक हथबई लेकर जाता है और इसमें दर्ज विवरण को घर लौटकर पाठनामा में उतारता।
चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा एक अद्भुत प्रकार की गद्य रचना है जिसमें आख्यान इतिहास गल्प आदि का असाधारण मिश्रण। यहाँ अपने आख्यान कौशल से लेखक इतिहास को गल्प बदलता है और सच्चाई बयान करने वाले की अपनी पारंपरिक पेशेवर पहचान के चलते गल्प को तिथियों संख्याओं आदि के उल्लेख से इतिहास का रूप देता है। पद्मावत का विवरण आप सबको पता है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अब मैं समाप्त कराता हूँ। पद्मिनी रत्न सेन प्रकरण जो 1303 ईस्वी में हुआ संबंधी देशज ऐतिहासिक कथा काव्य की सुदीर्घ परंपरा लोक में सदियों से प्रचलित कथा बीजक पर आधारित और इनकी जायसी के पद्मावत पर निर्भरता की धारणा सर्वथा निराधार। ये धारणा उन आधुनिक इतिहासकार विद्वानों ने रचनाओं को बिना पढ़े समझे बनाई है जिन्हें लोक में स्मृति के व्यवहार और खास ढंग की जानकारी नहीं थी। पद्मावत की ख्याति इसकी रचना के 50 वर्ष में ही जायस से सुदूर राजस्थान में पहुंच गई होगी ये विश्वसनीय नहीं लगता। जायसी कवि तो बड़े थे लेकिन वे बहुत लोकप्रिय नहीं थे। उनका उल्लेख पारंपरिक इतिहास और सांप्रदायिक साहित्य में नहीं मिलता। राजस्थान पंजाब गुजरात जहाँ पारंपरिक पद्मिनी कथा काव्यों की रचनाएं हुई के ग्रंथागारों में पद्मावत की कोई प्रति नहीं। इन कथा काव्यों के रचनाकारों ने पद्मावत को कहीं भी उद्धृत नहीं किया जबकि पारंपरिक कथा काव्यों में परंपरा से पूर्व की संबंधित रचनाओं के प्रसिद्ध कथनों को उद्धृत करने की परंपरा थी। इस कथा बीजक के आधार पर जायसी ने 1540 में हेमरतन ने 1588 में अपनी रचनाएं की लेकिन इससे पूर्व भी इस कथा बीजक को कथा काव्य रूप देने के उपक्रम होते रहे। इन दोनों से प्राचीन गोरा बादल कवित्त नामक रचना उपलब्ध है। पद्मिनी प्रकरण का छिताई चरित्र 1475-1480 में उल्लेख भी ये प्रमाणित करता है कि जायसी के पद्मावत से पूर्व ये कथा बीजक लोक के प्रचलन में था। परवर्ती फारसी इतिहासकार मोहम्मद बिन कासिम फरिश्ता अबुल फजल हाजी उद्दबीर के पद्मिनी संबंधी वृत्तांत भी जायसी के पद्मावत के बजाय पारंपरिक कथा बीजक या आख्यान ख्यातों पर निर्भर। रत्नसेन पद्मिनी संबंधी कथा बीज पर निर्भर देशज कथा काव्यों की 16वीं से 19वीं सदी तक विस्तृत परंपरा में पाठ प्रयोजन और शैली का वैविध्य खूब और जायसी के पद्मावत को छोड़कर ये सभी इतिहास और आख्यान अपनी भारतीय परंपरा का स्वाभाविक देशज विकास है। चारण और धार्मिक परंपरा और निर्मिति में होने के कारण इतिहासकारों ने इनको महत्व नहीं दिया जबकि इन रचनाओं में अपने ढंग का इतिहास का आग्रह भी बराबर और इनके कथा विस्तार और कथा कवि समयों के बीच में इसको अलग से पहचाना भी जा सकता है। अज्ञात कविकृत गोरा बादल कवित्त इनमें सबसे प्राचीन है। हेमरतन लब्धोदय और दलपति के विजय की रचनाएं जैन साहित्यिक परंपरा और निर्मिति में है लेकिन इनमें धार्मिक आग्रह नहीं। खास बात यह कि रचनाएं परंपरा में पूर्ववर्ती रचना का आगे की रचनाओं में विकास और पल्लवन। पद्मिनी समयों खुमान रासो और राणा रासो चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा चारण परंपरा की रचनाएं हैं जिनमें वंश और प्रशस्ति का विवरण पारंपरिक कवि कथा समयों के विन्यास में इसलिए आधुनिक संस्कार के इतिहासकारों को विचित्र लगता है। इनमें से कुछ रचनाएं ऐसी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होकर निरंतरता में ठहरे हुए या मृत दस्तावेज पर निर्भर करने वाले विद्वानों के लिए ये निरंतरता भी अजूबे की तरह। दरअसल ये अतीत के स्मृति में व्यवहार का खास भारतीय ढंग। ये ढंग अतीत को ठहरने या मरने नहीं देता, उसको जीवंत और निरंतर रखता। इनमें से कुछ रचनाओं में उनके रचनाकारों के नाम, उनकी रचना का समय और स्थान का विवरण नहीं है। दरअसल एक तो परंपरा से भारतीय रचनाकार ही रचना में अपनी अस्मिता को लेकर बहुत आग्रही नहीं है और दूसरे यहाँ कृति को रचना के बाद मुक्त करने की परंपरा। यहाँ किसी रचनाकार की
समान विषय वस्तु वाली या उसके हटकर या उसको उद्धृत करते हुए अपनी अलग रचना करने की स्वतंत्रता हमेशा रही। धन्यवाद। बहुत चाहते हुए भी मैंने बहुत सारा अंश इसमें छोड़ा है और मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। इसकी प्रतिलिपियाँ, इन रचनाओं की पांडुलिपियाँ कहाँ कहाँ सुरक्षित है, यदि आप अलग से जानकारियाँ चाहेंगे। इनमें से केवल एक पांडुलिपि की प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है, वो एक हुमान रासो, वो दरअसल एक पांडुलिपि उसकी लंदन में है और दूसरी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे में है, जहाँ से वो अभी उपलब्ध नहीं पाए। बाकी सभी की प्रतियां मेरे पास है। और मिथ और इतिहास पर और इन रचनाओं में इतिहास के मिथकीकरण की प्रक्रिया पर अगले अध्यायों में विचार होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रोफेसर हडा, आपके विस्तृत विवरण आपने सुना और इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो जायसी का पद्मावत है उसका ही राजस्थान के जो फोक वेरिएंट्स हैं, जो देशज इसके जो वर्जन्स हैं उससे कोई ज्यादा संबंध है, सिर्फ एक उसका जो मोटिफ है रत्नसेन और पद्मावती का उसका उसने उपयोग किया है और इसको बहुत खूबसूरत साहित्यिक रूप दिया। गलत कह रहा हूँ? तो ये हमें पता चला। दूसरा, एक इतिहास लेखन की परंपरा पे बड़ा बड़ा विस्तृत चर्चा प्रोफेसर हडा ने की, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मुझको यहाँ पे चैट्स दिख नहीं रहे हैं कुछ तो आप लोग जिसको भी प्रश्न पूछना हो आप अपना वीडियो खोल करके प्रोफेसर हाडा की तरफ इशारा करके आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि चैट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। दिख रहे हैं बात? चेहरे नहीं दिख रहे, सबने दबा रखे हैं लोग चेहरे, कोई चाय पीने चला गया, कोई कहीं चला गया, चेहरे भी नहीं दिख रहे। सुबह सर प्लीज। नहीं नहीं मैं चलिए, और कोई कुछ बोल नहीं रहा तो मैं शुरू करता हूँ। मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और इतिहास लेखन के बारे में अपने खास टिप्पणियाँ की जो मुझे बहुत काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ इस बात से कि जो तथ्य परकता एक अलग चीज़ है और इतिहास लेखन में तथ्य की एक भूमिका है, लेकिन तथ्य एक उसको क्या कहें, उसका भूत बनाना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। और हर इतिहासकार का अपना दौर की जो ज़रूरत है, अपनी जो सब्जेक्टिविटी है, उस इतिहास लेखन में ज़रूर उभरेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने। लेकिन मेरे लिए एक इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते दो एक सवाल है। सवाल ये है कि जिसको आप प्राचीन भारतीय परंपरा कहते हैं, वो दरअसल जो आपके कथन के अनुसार एक बीज होता है जिसको लगातार अपने दौर के ज़रूरत के हिसाब से लोग इंटरप्रेट करके उसका बयान करते हैं। तो आपने कई संदर्भ में इसके अलग अलग तरह से कहा, वर्तमान में उसको अर्थपूर्ण बनाना, अतीत का आदर्शीकरण करना और किसी खास उद्देश्य से अतीत के चीज को ड्रॉ करके उसको पुनर्जीवित करना। तो जो जीवंत इतिहास की आपने जो बात कही उसका एक स्पष्ट है कि कोई निरंतर भारतीय नहीं हो सकता है। हर दौर का इतिहास का अपना चरित्र होगा और हर समूह का अपना चरित्र होगा इतिहास लिखने का, और कहीं हमें उन समूहों का उस दौर का इतिहास लेखन के बारे में समझना जरूरी है। खासकर आपने ये बात उद्धृत किया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि और ये कई और लोगों ने भी इसके बारे में कहा है कि पद्मावत का जो वंशानुक्रम है
वो शायद यूपी बिहार और बंगाल की तरफ जाता है, लेकिन वो इस तरफ राजस्थान में उसका वंश वंशानुगतता नहीं मिलता है। एक्चुअली उसका लीनेज जो है राजस्थान के टेक्स्ट में नहीं है, उसका लीनेज जो है वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ है। लेकिन ये जो आपने जैन मुनियों की एक बात कही, एक परंपरा जैन मुनियों की थी और दूसरी परंपरा जो है वो चारण भाटों की परंपरा आपने बताया, इन दोनों के चरित्र में क्या फर्क है, दोनों के जरूरतों में क्या फर्क है, दोनों के बयान में क्या फर्क है, ये मेरे लिए एक दिलचस्प विषय है। दूसरी बात ये है कि राजपूत समाज में 17वीं शताब्दी, जब अधिकांश ये रचनाएं 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के दौर में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी तक, हाँ जी, 16वीं से 19वीं शताब्दी तक। हाँ जी, 16वीं, ज्यादातर जो टेक्स्ट आपने कहा 1589 से शुरू होते हैं और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं 1589 के बाद, तो उस दौर में राजपूत समाज किन समस्याओं से गुजर रहा था और उन समस्याओं का इन आख्यानों में कहाँ हमें उसका झलक मिलता है। क्योंकि जैसे आपने कहा, पुरानी चीजों को अपने समय में उसका एक तरह से रीयूज करना, रीस्टेट करना इनका उद्देश्य था, तो वो कौन सी समस्याएं थी जो उनको समझने के लिए या जिनके निराकरण के लिए उन्होंने पद्मावती प्रसंग का उपयोग किया। तो ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग होगा कि इस दौर में राजपूत समाज किन समस्याओं से गुजर रहा था और उसके लिए उन्होंने पद्मावत का उपयोग या जो भी पद्मावती प्रसंग का उपयोग कैसे किया। मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता था कि पिछले 20-30 साल में इतिहास लेखन में इन चीज़ों के उपयोग के बारे में काफ़ी बहुत ही दिलचस्प साहित्य छपा है, शायद आप उनसे परिचित भी होंगे। इत्तेफाक से जो लेखक हैं, एक लेखक है टेक्सचर्स ऑफ टाइम, ये आंध्र प्रदेश के इतिहास लेखन परंपरा लगभग इसी तरह के जैसे पद्मावत के बारे में आपने कहा था उस पे लिखा गया है, और संजय सुब्रमण्यम और दो और लोग इतिहासकारों के मिला हुआ किताब है। बहुत ही दिलचस्प किताब है जो आप पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो इसी जी तरह के साहित्य जो जी दक्षिण जी भारत में लिखे गए उन पर, बस इतना मुझे कहना। देखिए, सबसे पहले मैं दूसरी बात पर आता हूं जो आपने वंशानुक्रम के संबंध में कहा कि इसका लीनेज चित्तौड़ से, राजस्थान से नहीं है, उत्तर प्रदेश यूपी से। ये एक आधुनिक भारतीय इतिहासकारों के संबंध में क्या अभी बट मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि पद्मावत के बाद के पद्मावत आधारित ग्रंथ जो है यूपी बिहार में रचे गए, राजस्थान तरफ नहीं रचे, ये कह रहा हूं। आपकी बात से सहमत हूं। मेरी मुश्किल ये है कि जैसे बहुत बड़े हिस्टोरियन है आरसी मजूमदार, पटेल साहब जानते हैं, मतलब इतिहासकारों में बहुत सम्माननीय है, उनका नाम ही लोग इस तरह लेते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि उन्होंने कभी पद्मावत नहीं पढ़ा। उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये घटना, ये प्रकरण इलाहाबाद के पास एक जगह चित्रकूट का। आप यदि पद्मावत पढ़ेंगे तो आपको पद्मावत में चित्तौड़ दुर्ग का भूगोल है, चित्तौड़ दुर्ग के आसपास के कस्बे सभी का उल्लेख, मांडलगढ़ है, पुर है, जहां से सेनाएं प्रयाण कर रही है। ये विडंबना है मामला। देखिए, अभी भी ये हुआ कि इस विवाद के दौरान भी इतिहासकारों ने इनमें से किसी रचना को नहीं पढ़ा, पद्मावत को भी नहीं पढ़ा। या इसी बड़े अद्भुत कवि हैं, कल्पना भी नहीं करते, इतने अद्भुत कवि, कवि ही अद्भुत है। वो
हमारे विजयदेव नारायण साहब ने उनको कुजात सूफी कहा, लेकिन कवि तो बहुत अद्भुत है। लेकिन खास बात यह है कि जायसी को भूगोल वगैरह की भी बड़ी प्रखर जानकारी, वो सेना किन किन कस्बों से गुजर रही है वो भी उल्लेख करते हैं। जो वंश वंश का उल्लेख करते हैं, ये मैं जटमल नार और जायसी ये दोनों समान है, एक लेवल पर है, वे चौहान मानते हैं, जबकि मेवाड़ का राजवंश चौहान नहीं है, सिसोदिया गहलोत है। ये जो वंश वंश तो गहलोत ही है, बदलता हमीर के समय, रत्नसेन के समय ही है। रत्नसेन निसंतान मरा है, इसीलिए उसी की एक ब्रांच जो सिसोदा गांव की रहने वाली है वो टेक ओवर करती है, इसीलिए उसका नया नाम है बाद में सिसोदिया, सिसोदा गांव के हैं। इसीलिए जो अभी जो शासक अभी जो जो, जो उत्तराधिकारी हैं वो सिसोदिया है वो गहलोती है जो रत्नसेन था। इसलिए ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि हमारे बहुत सारे इतिहासकार, बड़े इतिहासकार जिनकी बड़ी ख्याति, बड़ा यश, बड़ी कीर्ति है, उन्होंने इन रचनाओं को नहीं पढ़ा, बल्कि इनके प्रति एक हिकारत का भाव, ये अच्छा होगा वर्णाकुलर। और ये वो लोग नहीं है, ये अभिजात रचनाकार नहीं है, ये किसी नगर, मतलब ये कोई कालिदास माघ नहीं है, ये छोटे छोटे कस्बे। आप यदि सादड़ी एक छोटा सा कस्बा आप रणकपुर गए हो तो उसके पहले आता है, सादड़ी में चातुर्मास के दौरान बैठकर उन्होंने रचना की। कोई राज्याश्रय में भी तो किसी सामंत ने जागीर दे दी तो कोई गांव दे दिया होगा। ये वो अबुल फजल नहीं है जिसको अपना एक पेज लिखकर अकबर से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, ये अपनी स्वेच्छा और विवेक से लिखते। मतलब विडंबना ये है कि इनको पढ़ा नहीं गया, कोई पढ़ता नहीं है, कोई कोई, कोई इसको ये ऐसे है कि शायद आरसी मजूमदार 50 साल पहले उनका हो गया है, मगर आजकल के इतिहासकार पढ़ते हैं, हमारे ऊपर इसे लांछन मत लगाइए। वर्तमान जैसे मुझे लगता है कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर चुके थे और सल्तनत काल में बहुत लोगों ने सल्तनत से अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी मेवाड़ पर आक्रमण हुए। सबसे बड़ी जरूरत थी स्वामी धर्म की। तो मुझे देखिए इन रचनाओं में प्राथमिकता कभी गोरा बादल को दी गई है, बहुत सारी रचनाओं में नाम में भी गोरा बादल, क्योंकि वे दोनों स्वामी भक्त हैं। सतीत्व भी एक आदर्श है, वो मुझे लगता है कि उस समय के समाज की, खास तौर पर जो वर्चस्वकारी समाज है राजपूत, उसकी ये दोनों जरूरतें पड़ी। और आप यदि इन दोनों रचनाओं को देखें तो जैसे जैन यति है, आपने कहा जैन यति और चारणों की रचनाओं में बुनियादी तौर पर कोई बड़ा फर्क नहीं होता। मुझे लगता है कि इनमें इंटरेक्शन भी रहा, आदान प्रदान भी रहा एक दूसरे में। जैसे दलपति विजय तो वंश रचना ही करते हैं, और ये जैसे यहाँ राजवंश जैनियों के सम्मान भी बहुत करते हैं। ज्यादातर जो वर्चस्वकारी महाजन है, जो मंत्री है राजा के, वे सभी जैन है। आप यदि आप आश्चर्य करेंगे, राजस्थान में जैन मंदिर जितने समृद्ध है, हम तो वर्चस्वकारी राजा की कल्पना करते हैं, लेकिन जैन मंदिर जितने समृद्ध है, राजस्थान का एक भी मंदिर, शैव मंदिर, विष्णु मंदिर, उतना समृद्धकारी नहीं। मतलब इतने छोटे छोटे से मंदिर हैं, देलवाड़ा, रणकपुर, एक के बाद एक, और वे सभी शासकों के जो मंत्री हैं उनके मंदिर, उनके बनवाए हुए। चल सर, आई एम वेटिंग। या हाँ सर, एक क्वेश्चन चैट में डाला है, वो जरा पढ़ लेना आप पुरोहित साहब। वो चैट नहीं दिख रहा, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, सुबु सर का हो गया ना क्वेश्चन? हाँ, सुबु सर के तो लगभग, हाँ, जैन और चारण दो परंपराओं में मैंने बता दिया, कोई छोटा अंतर नहीं है, और जैन मुनियों का कोई धार्मिक आग्रह नहीं। पहला आप पहले कहिए। नहीं सर, नहीं आप। चलो मैं आई। यस सर। ओके,
मेरा एक क्वेश्चन तो मैंने चैट पे डाला है, वो पढ़ लेना जरा। आप पूछ ही लीजिए ना। मैंने दोबारा डाल दिया चैट पे, और मेरा जो दूसरा सवाल है वो मैं पहले पूछ लेता हूँ। हाँ। आपने बिल्कुल शुरू में एक हिस्ट्री को लेके एक बड़ा जबरदस्त विवरण दिया हमें, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका जरा सोर्स बता देंगे आप? आपने कहा शिवाजी जो थे उनकी जो वंश परंपरा है, शिवाजी की, शिवाजी का जो वंश परंपरा है ये राजस्थान से ताल्लुक रखती है, तो इसका कोई, देखिए मैंने कहा ऐसा कहते हैं, मैं प्रमाणित नहीं कर रहा, आप क्षमा करें, मैंने दोनों बातें हैं। देखिए राजस्थान के विख्यात इतिहासकार, मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा उनके संबंध में जानते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये दोनों उल्लेख उनके, और नेपाल राजवंश भी मेवाड़ से अपना संबंध जोड़ता है, और छत्रपति शिवाजी वंशज भी अपना संबंध मेवाड़ से जोड़ते हैं, ये दोनों बातें सही, ऐसा कहते हैं। और मैंने प्रारंभ में भी ये कहा कि जनश्रुतियों का, मिथकों का, कहावतों का, उखाणों का मेरे लिए बहुत सम्मान है, ऐसा कहते हैं। चलो मैं मान ली आपकी बात, आपकी जी जी भाई है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है, पुरोहित साहब आप एक बार पढ़ देंगे? बिल्कुल, देख नहीं रहा तो चैट नहीं दिख रहा, चैट में जाना सर, आप ही पढ़। चहल साहब का सवाल पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए सर। I appreciate your attempt to highlight the subaltern versions of the legend Padmavat, but the problem with you is that you are working on subaltern writings with a conservative approach. Your approach reflects from reflections on modern Western historiography. The other paradox is that you have quoted repeatedly E.H. Carr, a Western modern historian, for your advocating the so-called Indian historiography. How could you read? मैं जानता था E.H. Carr को, जब मैं quote, मैंने Mark Bloch भी quote किया, उसका नाम नहीं लिया, है ना? देखिए मैं सरलीकरण नहीं, मैं यूरोपीय इतिहासकारों में भी सरलीकरण नहीं करता। अगर मुझे ये प्रस्तुतिकरण केवल इतिहास पर करने के लिए दिया जाए तो मैं कहूँगा जेम्स टॉड, इंटरनेट्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं। मैंने मार्क ब्लॉक को इसलिए, ईएच कार को भी मैंने सारा कोट नहीं किया, ईएच कार का वो मैंने वो अंश कोट किया जो कोई एक अच्छा इतिहासकार सेलेक्टिवली कोट किया है। नहीं सेलेक्टिवली नहीं, मैंने इसको सेलेक्टिवली मत कही, ईएच कार कोट किए जाने चाहिए, हिस्टोरियोग्राफी के बड़े विद्वान, और वो केवल लेकिन आप वो भी स्मरण करिए, मैंने मार्क ब्लॉक भी कोट किया, वो कहते हैं ईसाइयत इतिहासकारों का धर्म है, वो भी कोट कीजिए। देखिए पर ये कोई ईएच कार ने जो कोई एक इतिहासकार सारी बातें अच्छी कहेगा और सारी बातें, वो कोई इतिहासकार ने एक बात अच्छी गलत कही है और सारी शेष बातें उसने अच्छी कही है, इस तरह का सरलीकरण मैं नहीं कर रहा। कम से कम मुझे लगता है कि जो चीज ग्राही है वो ली जानी चाहिए, चाहे वो यूरोपियन ही क्यों नहीं हो। मैं इस तरह का सरलीकरण, ये जो दाखिल खारिज वाली परंपरा है उससे अलग बात कर। So do you accept that your approach is conservative approach? No, not at all. सर मैं कुछ बोल रहा हूँ। अभिषेक यादव भी बहुत समय से हाथ पहले से हाथ खड़ा किए हुए हैं जी। नहीं, पहले आप ये बताइए कंजर्वेटिव से आपका आशय क्या? यदि डीकोलोनाइजेशन, मैं अपनी तरह की सोच की जरूरत तो है, अब नहीं है क्या? आप ग्रीक, यमन, रोमन जो ईसाई पद्धति है इतिहास की, उससे मुक्त तो हमें होना चाहिए। सर कुछ बोलता हूँ, राजू साहब आ गए हैं। एक बात कह, नहीं मैं तो था पहले से, मैं खाली ये कह रहा हूँ भाई, कंजर्वेटिव अप्रोच ही मींस एंटी मिशनरी अप्रोच। प्रोफेसर राजू एक बार मैं सोचता हूँ, अभिषेक जी पूछ रहे हैं, मैं ये शब्द कंजर्वेटिव, मेरा अलग कंजर्वेटिव होता है, आपका अलग कंजर्वेटिव, तो इसके चक्कर में
कंजर्वेटिव को सुनो मेरी बात, कंजर्वेटिव को बुरा क्यों मानते हैं? अभी पीछे हमारे जो डायरेक्टर सर ने खुल के कहा कि कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो खुद उसमें बिलीव करते हैं। तो वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज कंजर्वेटिव, इट इज डिफरेंट एग्जैक्टली फॉर यू एंड फॉर मी इट इज क्वाइट डिफरेंट। अभिषेक जी आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं झंडा बुलंद हो गया ना तो फिर भी आप डिफेंसिव हैं। सर आवाज जा रही है ना? हाँ जी आ रही है। पहले तो सर मैं आपको बहुत बधाई दूं कि आपने ये पहला प्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने सुना और दूसरा भी बहुत अच्छा रहा। मुझे ये दूसरा वाला हिस्सा ज्यादा बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया से आपने जो स्रोत हैं इस प्रोजेक्ट के अभिषेक यादव उसके उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो हर एक स्रोत के बारे में बताया कि उसके कथा कैसे है, कथा बीच का कैसे उसमें उसको डेवलप किया गया है, वो हिस्सा मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं एक बात कल से ही सोच रहा था, जब से आपका आपका ये आया था प्रेजेंटेशन का होने वाला, तब से एक बात आ रही थी मन में कि ये जो एक ग्लोरिफिकेशन है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला भी कि सतीत्व किसी समय की जरूरत रही होगी, हालांकि जरूरत तो किसी समय की नहीं रही होगी मेरी समझ से, लेकिन हर समाज अपने अपने हिसाब से कुछ चीजें बनाता है और उसमें पैट्रियार्की शामिल होती है, उसमें और दूसरी चीजें फ्यूडलिज्म और सब शामिल होता है, चीजों को बनाने के लिए प्रथाओं को बनने के पीछे ये सब शामिल होता है। सती प्रथा चाहे आज चाहे 500 साल पहले कभी भी ठीक नहीं, ये मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है कि ये कहा जाए कि वो उस समय की जरूरत थी। ये बेकार, मुझे मेरी समझ से बेकार की बात है और हम इस तरह से करके बहुत सारी कुरीतियों को जस्टिफाई करते हैं। पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन जो बात हो रही है ना कि लोगों की भावना का मतलब सब कुछ नहीं होता है। पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉमन सेंस एक चीज है, कॉमन सेंस कई बार बहुत जन विरोधी होता है, बहुत बहुत जो है आदमी के ही खिलाफ होता है कई बार। डॉवरी एक कॉमन सेंस है, हर आदमी सामान्य तौर पर पूछता है कि भाई क्या लेन देन हो रहा है, लेकिन है तो वो मानव समाज के खिलाफ। तो हमेशा कॉमन सेंस सही हो, जो लोग मान रहे हों लोगों के अंदर जो हो वो सही हो, ये मुझे नहीं ठीक लगता है। मुझे एक बात ये कहनी थी कि कहानियों के वर्जन है, पद्मावत जायसी की तो बहुत सुंदर किताब है, बहुत बढ़िया किताब है वो, और उसके बारे में आपने कहा ये विजयदेव नारायण शाही ने कहा है कुजात सूफी, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वे मुसलमान होते हुए भी सहृदय थे। ये पंक्तियां हम लोगों ने जितनी बार पढ़ी उतनी बार हैरानी होती थी कि रामचंद्र शुक्ल जैसा आदमी, इतना विद्वान आदमी, और वो कह रहा कि मुसलमान होते हुए भी सहृदय व्यक्ति थे, मैंने जैसे मुसलमान सहृदय नहीं हो सकता। जो कहानी डेवलप की गई एक बीच से जो कथा विकसित की गई ढेर सारी, सर मेरा इसमें यही एक कहना है कि इसको इतनी सारी कथाएं हैं, हम कैसे इसको इतिहास एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, आर्कियोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो इतिहास को सहायता करती है, ऐसे में ये मान लेना कि ये सारी कहानियां ही इतिहास हैं, ये मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि इन कहानियों के ढेर सारे वर्जन हैं। और एक बात आपने कही हर्ष चरित के बारे में कि जहां तक उसको बाणभट्ट को ठीक लगा वहां तक उसने लिखा, उसके जो इतिहासकार कहते हैं कि वो पूरी नहीं है, तो आपने कहा कि जहां तक उसको ठीक लगा उसने लिखा, उसके आगे जरूरत नहीं उसको लगी। यही आके मेरी दिक्कत फंसती है कि हर आदमी अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखता है चीजों को। बाणभट्ट को ये लगा कि अब इतनी ही जरूरी चीज है, तो हम ऐसी चीजों को जो कि लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा और लोगों के द्वारा, ये स्रोत हैं, निसंदेह महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आपने जो स्रोत बताए हैं, मैं इनका खुद मैं मानता हूं कि लोक साहित्य पर इन चीजों पर काम होना चाहिए, लेकिन इन स्रोतों को इससे काट कर नहीं देखा जा सकता कि लिखने वाले का पर्सपेक्टिव है, लिखने वाले का परिप्रेक्ष्य है, वो चुनता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। पुराणों में हजारों कहानियां हैं, हर कहानी के पर्सपेक्टिव को आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वो कहानियां किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं और किसी को बुरा दिखाती हैं। तो इन कहानियों से इतिहास निकालने का जो काम है ना, बड़ा महीन है। अगर हम ये मान लें, अगर मैं, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि आप दुराग्रही नहीं है कि वो बुरे हैं, यूरोपीय इतिहासकार और भारत में सब अच्छे हैं,
लेकिन जितना ज्यादा पढ़ते रहे उस हिस्से को, उस हिस्से से यही साबित होता रहा कि यूरोपीय इतिहास परंपरा एकदम बुरी है, वहां लेखन परंपरा सुनने से जो मुझे परसीव हुआ, और हमें एक देसी परंपरा इवॉल्व करनी चाहिए, बिल्कुल इवॉल्व करनी चाहिए, लेकिन ये आउटरेजली खारिज कर देना ना कि वो एकदम खत्म है यूरोपीय परंपरा, तो उससे उससे कोई लाभ नहीं है हमको, मुझे लगता है कि हम उनसे सीख सकते हैं बहुत सारी चीजों को। ये मेरा एक बात है कि कहानियों से बहुत बहुत मुश्किल है इतिहास का निर्माण करना, वो बहुत सधा हुआ काम है, कहानियां इतने पर्सपेक्टिव से लिखी गई कि उनमें समस्या है। बाकी मुझे अच्छा लगा, और दो एक बातें हैं तो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा इस बारे में। देखिए मैंने आरंभ में भी ये बात कही थी कि हमारी परंपरा में कथा और इतिहास इनमें आवाजाही और परस्परावलंबन बहुत है। आप यदि स्वायत्त इतिहास चाहते हैं कहीं भी, तो ऐसी रचनाएं मिलना बहुत मुश्किल काम, जिसे आप आधुनिक अर्थ में इतिहास कहते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि हर समय और समाज की अपनी इतिहास चेतना होती है, अपना एक इतिहास बोध होता है, और उस इतिहास बोध के आधार पर ही हमारी अपनी रचनाओं का मूल्यांकन होना चाहिए। आप यदि ग्रीक रोमन इतिहास और जिसको मार्क ब्लॉक ईसाई कहते हैं, उस पद्धति से अपनी रचनाओं का मूल्यांकन करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, फिर आप उनको बेतुका और अतिकल्पित कहेंगे, ये बात स्वाभाविक है। एक समय में जो प्रथाएं हैं, जो कवि समय है, कथा समय है, उन रचनाओं में वे सब होंगे, और वे मध्यकालीन और प्राचीन यूरोपीय दस्तावेजों में नहीं, ऐसा भी नहीं, सभी समाजों में होता है ऐसा। मतलब ये मैंने आरंभ में भी इसलिए कहा था कि ये हमारे समाज की सांस्कृतिक भाषा है, उसके प्रति जो हिकारत का भाव, एक अंतर्बाधा का भाव हमारे मन में यूरोपीय शिक्षा और संस्कार ने पैदा किया, इसको समझा जाना चाहिए, वो आज भी है सर। इस पर लोग काम कर रहे हैं, और इधर 25-30 सालों से तो खूब काम इस पर हो रहा है। मैं इसीलिए यूरोप और भारत, यूरोपीय और भारतीय इतिहासकारों में कोई सरलीकरण नहीं कर रहा, अच्छे लोग उधर भी हैं। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ लेफ्टिनेंट टॉड ने काम किया वर्षों तक। नहीं सर, मेरा खुद काम किया। हाँ, मेरा इतना ही कहना है कि उन्होंने भूमिका में ये लिखा है, सारे भारतीय उस समय ये धारणा बहुत सरलीकृत धारणा थी कि भारतीयों को इतिहास नहीं आता, भारतीयों में इतिहास चेतना नहीं है, तब उस व्यक्ति ने ये लिखा कि ये धारणा निराधार है। कोई जाए और पाटन के ग्रंथागारों को देखे, जैसलमेर के ग्रंथागारों को देखे, हमारे ठिकानादारों के ग्रंथागारों को देखे, और देखे कि हमारे यहाँ इतिहास की कितनी सामग्री है। मैंने कहा, आप पिछली बार भी जब ये सुमित जी का प्रदर्शन था, अभी भी 30% साहित्य ही है पांडुलिपियों में से जो बाहर आया। ये परंपरा ही बंद हो गई आजादी से पहले, तो ये एक मुहिम चली कि हमारा जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय पांडुलिपियां है, उनका प्रकाशन हो। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि ये यूरोपीय औपनिवेशिक संस्कार एक अंतर्बाधा है आपके, ये अंतर्बाधा सर, ये जो सामग्री है ना हमारे पास, ये सामने आनी चाहिए, 30% है, 100% आनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन इन कहानियों के साथ जो जिनके इतने वर्जन है, पद्मावती की कहानी के इतने वर्जन है, परंपरा है। मैं कह रहा हूँ कि अब इनमें से किसको, किस लाइन को आप खींचेंगे? नहीं, कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, इस वैविध्य को बना रहने दीजिए। आप इस वैविध्य को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? वैविध्य को समाप्त एक बात और कह दूं, मैं केवल जो छोटी सी है जोड़ दूं कि ये जो सती वाला मसला है, जिसमें हर कहानी में ग्लोरीफाई किया गया है, निदेशक महोदय एक बात कह रहे थे, मेरे मन में भी वो बात ऐसे आई कि ये जरूरी है कि क्या कोई ऐसी भी कहानी है, कोई ऐसी भी लाइन है जिसमें उसके सतीत्व को ग्लोरीफाई ना करके दूसरा ट्रैक पकड़ा गया है? अगर वो भी पकड़ा गया है तो काइंडली उसको भी अकोमोडेट करिए, इसमें उसको भी शामिल करिए इसमें। देखिए मैंने यहाँ केवल जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो लिए, पब्लिक मेमोरी में क्या है ये आपके लिए एक और जानकारी है राजू सर, सॉरी मैं आप पर ही, मैं आपको एक जानकारी और देता हूं मैं, क्या कारण है कि केवल अलाउद्दीन खलजी भारतीय लोक का सबसे
लोकप्रिय चरित्र, अकबर नहीं है, शाहजहां नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, और आप आश्चर्य करेंगे इतनी रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी पर मौजूद है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं बताता हूं आपको, कानड़ दे प्रबंध में वो अलाउद्दीन खिलजी रुद्रावतार क्या बहुत बहुत प्रकार का वैविध्य है। कानड़ दे प्रबंध हमीर रासो, मतलब आप, और ये जिन रचनाओं का मैंने जिक्र किया वो सब, मतलब हमारी परंपरा इतनी विविध प्रकार की परंपरा है, कथा पल्लवन विविध प्रकार का। आप देखिए सुनशेप आख्यान या उर्वशी पुरवरा आख्यान वैदिक काल से ऋग्वेद से शुरू होते हैं, और आप देखिए उपनिषदों तक आते हैं, और इतना उनमें परिवर्तन हो जाता है कि आप कल्पना में, आप यदि मूल ढूंढेंगे तो अलग और यहाँ ढूंढेंगे तो अलग। इसीलिए ये तो हमारी परंपरा है, कथा पल्लवन की परंपरा, ये इसको सुरक्षित रखिए। ये इन सब में आप जो लोकप्रिय वर्जन जानते हैं जैसे जौहर, किसी भी ट्रेडिशनल सोर्स में नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो विचित्र प्रकार की वो, और इस वैविध्य को, ये वैविध्य हमारी परंपरा, इसको सुरक्षित रखा जाना। ये जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि उद्धव का दृष्टिकोण, उद्धव का दृष्टिकोण, ये जो कहानियां है ना, कथा पल्लवन, इनमें भी एक डोमिनेंट दृष्टिकोण है, भारतीय समाज का एक डोमिनेंट दृष्टिकोण है सर इसका। इसीलिए चहल साहब का सवाल कोई उसको कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत, मुझे तो उसका एक हिस्सा बहुत वाजिब लगा। इन कहानी आपको केवल यूरोपीय दृष्टिकोण खारिज करना है, नहीं, इन कहानियों का एक भारतीय डोमिनेंट दृष्टिकोण भी है। मैं कुछ कहूं क्या, ये काफी देर से बहस चल रही है, मेरे को आपके विषय के बारे में इतना नहीं मालूम है जितना आप स्रोतों में गए हुए हैं, तो उतनी गहराई में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये जो बहस चल रही है उस पर कुछ कहना चाहूंगा। अब ये बात आई जौहर की, अब ये विच बर्निंग होती थी, कितना लंबा ट्रेडिशन है विच बर्निंग का, उसके बारे में तो कोई कभी बात ही नहीं करता, हिंदुस्तानी हिम्मत ही नहीं होती है बात करने की। कितने 100 साल तक चला, फ्रांसिस ब्रेकन को ग्लोरीफाई करते हैं, वो क्या करता था, विचेस को टॉर्चर करता था, और बोला कि नेचर को टॉर्चर करना चाहिए टू गेट हर सीक्रेट्स, दैट इज व्हाट फ्रांसिस बेकन सेड। उसको हम बोलते हैं कि ही वाज़ द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कंप्लीट नॉनसेंस हिस्ट्री। उसके बाद 2000 साल पहले से एक्सपेरिमेंटल मेथड चल रहा है, हिंदुस्तान में चल रहा है, और आपको मिल जाएगा दीघ निकाय में। तो ये जो मेरा कहना है कि ये बात सच है कि जो मिशनरी आए उनका काम ही यही था कि सब चीज में नीचा दिखाना, और इसका तो हमको बिल्कुल, इसको अपोज करना ही चाहिए, किसी भी हालत में अपोज करना चाहिए। अब वो बात अलग है, वो मैं मानता हूं जो हड़ा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये वन डायमेंशनल होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, हाँ भाई वहां पे भी अच्छे लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो डोमिनेंट ट्रेडिशन था कि सब कुछ को निचला दिखाने, रेसिज्म कहां से आया, कहां से मार दिया उन्होंने रेड इंडियंस को, क्या कहते थे हिंदुस्तानी के बारे में, व्हाइट मैन्स मिशन, कितने कितने गंध कही है। तो इतने इस सब गंध के खिलाफ हमको बोलना बहुत जरूरी है, और इससे मैं हड़ा साहब का ये करता हूं, समर्थन करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो किया वो किया कि भाई जो मिशनरी कह रहे हैं वो हम क्रिटिसिज्म मानेंगे, हम उनको कभी नहीं क्रिटिसाइज करेंगे। तो इससे तो मुझे ये बात तो मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग थे, अभी आज अभी बात हो रही थी, जैसे दयानंद सरस्वती, ये अपना राम मोहन रॉय, सब ने जो मिशनरी क्रिटिसिज्म था उसको सीरियसली लिया, लेकिन कभी वेस्ट ने हमारा क्रिटिसिज्म सीरियसली नहीं लिया। मेरे कोई देखिए सेंसर कर देते हैं, कुछ भी उठपटांग बोल देते हैं कहीं पे भी। तो ये जो बात है ये आज भी जारी है, और उसके खिलाफ हमको बोलना, और ये जो ख्याल से ये बिल्कुल सही है, कोई सरलीकरण नहीं है, लेकिन इसको कंडेम करना, और कम से कम 1000 बार कंडेम करना बहुत जरूरी। अरे साहब चले गए, अभी जवाब कौन देगा। नहीं, जवाब देने से ज्यादा सर ये मामला दूसरी तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि हड़ा साहब का कनेक्शन शायद कट गए हैं। जब तक ये हमारे अभिषेक जी हैं क्या, मैं देख के आता हूँ सर, देख के आता हूँ उनका कनेक्शन। मुझे लगता है प्रोफेसर परांजपे ने जिस सेट जिस बात से बात शुरू की थी, और वो मुझे लगता बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको जो है जो इनका काम है पूरा, हाड़ा जी आ जाते तो बेहतर होता,
मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी कहानियां जो थी और हम लोग एक शब्द सुनते हैं लाइट मोटिफ, वो चीजें रहती हैं और फिर उसके इर्द गिर्द कथा बनती है और उन कथाओं में से एक जो डोमिनेंट होता है वो हिस्ट्री बन जाती है। वो मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट हारा साहब आ गए। हाँ आ गया सर, आ गया। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रोफेसर परांजपे ने एक बात कही थी और मुझे आपके पूरे प्रेजेंटेशन में मुझे उसकी अनुगूंज, उसकी संभावना मुझे दिख रही थी कि एक कोई एक एक कथा बीज जिसको वो कह रहे थे, एक बीज होता है फिर उसके इर्द गिर्द चीजें आती हैं। एक पुरोहित साहब ने भी मोटिफ का प्रयोग किया था, एक लाइट मोटिव हम लोग कहते हैं, कोई चीज होती है जो तमाम वर्शंस में भी सुरक्षित रहती है। वो जो चीज होती है उस पर सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति में जो उत्पन्न मनोरचना शब्द पर आप जोर दे रहे थे, उसका क्या संपर्क हो सकता है? मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग इतिहास के बारे में सोचते हुए जाने अनजाने हम लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ कि हम लोग एक तरफ यूरोप को रख देते हैं, दूसरी तरफ भारत को रख देते हैं और उसमें फिर अपने जो प्रेजुडिसेस होते हैं उसके आधार पर ही हम मध्यकाल, प्राचीन काल, हिंदू मुसलमान सब करने लगते हैं। आपके काम की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये है कि हम अपने अपने मैं अपने जानबूझ के कह रहा हूँ अपने सोर्सेस के भीतर इतिहास को खोजने की संभावना कितनी देख पा रहे हैं। आपने कवि इतिहासकार और इतिहासकार को आसपास रखने की कोशिश की है और ये संभावना तैयार करने की कोशिश की है कि कैसे उसमें से इतिहास जो हमको उपलब्ध हो पा रहा है उससे समृद्ध जो 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 सोर्स का जो दायरा है उसको हम बढ़ाएं और उस समय के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और थोड़ा विस्तार दें। ये मुझे बात आपकी, मुझे आपके प्रोजेक्ट की सबसे खास बात लगती है कि आपने सोर्सेस को विस्तार देने की कोशिश की और इस क्रम में हमारी इतिहास, हमारे इतिहासकारों को इन सोर्सेस की तरफ जाने की जरूरत है। और इसको तो सुब्ब साहब ने भी कहा कि अब इतिहासकार पढ़ रहे हैं और ये बहुत बिल्कुल सही कहा कि एक समय था जब इतिहासकार खास तरीके से पढ़ता था और वो खास तरीके का पढ़ना ही यूरोपियन पढ़ना माना जाता था, लेकिन अब थोड़ी स्थिति बदली है। और इसमें मुझे एक जगह जहाँ थोड़ी सी सुविधा हो रही है वो ये है कि ये जो नैरेटिव है उसकी एनालिसिस में कॉन्टेक्स्ट को बहुत ध्यान में कभी कभी नहीं रखा गया है। ये मुझे थोड़ा लगता है कि जो इतिहासकार अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद एक इम्पॉर्टेंट काम करता है वो ये करता है कि वो समेटने का काम करता है, जो इस विस्तार इतना अधिक ना हो जाए कि चीजें इतनी फैल जाए कि बस कहानियां ही कहानियां चारों ओर हो और एक समय का या कालबोध का मामला न बन पाए। तो एक एक जो आशंका बनी रहती है जब हम एक नैरेटिव के रूप में उसको पकड़ते हैं तो फिर ये एक दिक्कत होने लगती है। मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? सर बिल्कुल सुन रहा हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है उसके कई रूप हो सकते हैं और जिस हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को हमने द हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस समझ लिया वो बेसिकली यूरोपियन कॉन्शियसनेस ही हो गया हमारे देश में कम से कम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। मुझे बार बार ये लगता है कि जो हमारे कवि इतिहासकार थे वो, लेकिन हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है लेकिन आफ्टर ऑल भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके पास स्टोरी टेलिंग की एक इतनी बड़ी समृद्ध परंपरा रही है कि उसमें से अगर हम चीजों को नहीं उठाएंगे, पर्सपेक्टिव को उससे अपनी दृष्टि निर्मित नहीं करेंगे तो हम लोग उधार का कितना दिन खाते रहेंगे। ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और इसी कारण से मुझे लगता है कि हम इतिहासकारों को
इन आवाजों को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। और इसीलिए मुझे इस तरह के प्रेजेंटेशन से या इस तरह की दृष्टि से बहुत लाभ हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग की परंपरा रही है और एक डायडेक्टिक, जिसको परांजपे साहब ने एक किताब लिखी है, बड़ी छोटी सी किताब है, यहाँ तीन उनके एसेज हैं, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था जो मुझे बहुत अद्भुत लगा था कि हमारे यहाँ जो एक वरना नैरेटिव्स हैं, डिटेल्स हैं, एम्पिरिकल डिटेल्स हैं, उससे कोई बात नहीं बनती है। ये जो उसका उसका कोई मतलब, एक मीनिंग होना चाहिए जो उस समय को न सिर्फ प्रतिबिंबित करे, समझने में सहायक हो, बल्कि उस पूरे ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं हमको एक अर्थवान समझ विकसित करने में सहायक हो। और मुझे लगता है आपकी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि आपने अपने इस पूरे रीडिंग में हम लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जिसको तुम समझते हो कि जिसके आधार पर पद्मावती आई है हमारे पास चल करके, उसके अलावा बहुत सारे अन्य वेरिएशंस हैं और उन वेरिएशंस में ये छवियां इतने रूपों में फैली हुई हैं कि हम लोगों को सिर्फ और इतिहास सिर्फ इतिहासकारों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इसको देखने की जरूरत है। मुझे लगता है आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये रिमार्केबल प्रोजेक्ट है। और सिर्फ एक सावधानी आपको, मतलब मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है ना, आपने एक उदाहरण दिया, मैं थोड़ा लंबा जो बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है आपके आपके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें। एक आपने वो उनका जिक्र किया, ये नाहर का, शायद पूरनमल नाहर का, वो जो कॉन्टेक्स्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरनमल नाहर आप जानते होंगे, ये विजय सिंह नाहर एक बड़े पूर्णचंद नाहर, हाँ पूरनचंद नाहर, वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट इतनी सुंदर डिबेट है, अगर उसको आप इसमें ले आए तो दिलचस्प बात हो जाएगी, फिर इतिहासकार भी थोड़े ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। इतिहासकार संतुष्ट नहीं होता है, लिटरेचर के आदमी को थोड़ा वो कमतर समझता है, वो सबॉल्टर्न और उसको समझता है, लेकिन इतिहासकार भी थोड़े से ज्यादा कन्विंस्ड हो जाएंगे आपसे अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट पर थोड़ा ध्यान दें। बस यही मेरी गुजारिश है, मतलब ये मेरा अनुरोध है आपसे कि ये इन बातों को इतना ना फैलने दें कि इतिहासकार लोग असहज हो जाए। मुझे आपका प्रेजेंटेशन अद्भुत लगा और मैं समझता हूँ कि देर सवेर इतिहासकारों को इस तरह की आवाजों को सुनना जरूरी हो जाएगा हम लोगों के लिए। और अंतिम बात, अभी अभिषेक जी हैं, एक पुस्तक है इतिहास तिमिर नाशक, जिस पर तलवार जी ने कभी लिखा है, इतिहास तिमिर नाशक। दरअसल हम लोग इतिहास के तिमिर, मतलब अंधकार को दूर करने के लिए जब हम कुछ लिखते हैं तभी तो इतिहास लिखा जाता है। इतिहास तिमिर नाशक, हमारे यहाँ 19 सेंचुरी में, बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, इतिहास तिमिर नाशक संभवतः ऐसा कुछ उन्होंने, हमारे हिंदी के बड़े भारत हिंदू युग के व्यक्ति थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद, जी जी शिव प्रसाद इतिहास तिमिर नाशक। तो हम लोगों को थोड़ी सी दृष्टि में विस्तार करना चाहिए, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो कहा है उसको माना जाना चाहिए। बस ये अनुरोध है कि कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा अगर उसमें लाएंगे तो हम जैसे लोगों को थोड़ी सुविधा होगी उन चीजों को रिलेट करना। नहीं, ये आरंभिक 3 अध्याय है केवल इसके, जी जी, अगले मिथ इतिहास और इतिहास मिथकीकरण की जो प्रक्रिया होती भारतीय समाज में खासतौर पर वो, और दर्शन और विचारधारा और इसके साहित्यिक महत्व पर अभी चर्चा होनी है। अभी ये केवल एक तो मेरे लिए मुश्किल थी कि पहला अध्याय, और उसके लिए मैं बलराम जी का आभार व्यक्त करता हूँ, पहला अध्याय सबसे मुश्किल काम था कि ऐतिहासिक कथा काव्य की परंपरा को ट्रेस करना, उसको खोजना, और वो क्योंकि संस्कृत साहित्य में निर्भर करती थी और उन्होंने संसाधन खोजने में भी मदद की और मतलब कई मेरी दुविधाओं को किया। लेकिन अगले अध्यायों में आप जो कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, उसकी चर्चा होगी अगले प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाह रहा था, सॉरी एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट ये है कि आप इंक्लूड कर रहे, ये जो अभिषेक जी बोल रहे थे ना, इतने सारे मल्टीपल पास हैं, तो मेरी जो किताब है वो होगी वहीं पे, देख लें, मल्टीपल पास आर पॉसिबल, ये आइडिया दैट पास्ट इज लीनियर इज अ फिक्टिशियस आइडिया, ऑलराइट, दे आर फिजिकली पॉसिबल।
So you can cite my book, which is the book that I wrote when I was here last time, that there is no problem with multiple paths. That is a very physical possibility. It is only a fiction that there is one unique path. That's all that I wanted to say. You can add. अभिषेक जी उसको केवल दो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, खास बात ये नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि दो में कन्वर्ट करना। मेरा सिर्फ इतना कहना है, केवल मजाक, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो कहानियां बता रहे हैं, जो मजाक कर रहे हैं, एक बात कह दूं, मैं दो में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई बाइनरी नहीं बना रहा हूँ, मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिनका आप, राजू सर ने एक बात कही जो यूरोप में जिस तरह का वहां विच हंटिंग हुआ और ये सब, वो ठीक है, उसको उसको भी निश्चित तौर पर कंडेम किया जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यूरोप के आंख से अपने समाज को देखेंगे, मैं इसका समर्थक कतई नहीं हूँ। वहां जो गलती हुई है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, इसका समर्थक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिन कहानियों के आधार पर इतिहास को देखने की कोशिश की जा रही है, ये काम इतना महीन है। क्यों महीन है? क्योंकि इन कहानियों को भी एक पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, और बहुत बार एक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव से लिखा गया या कहा गया है। अगर वो कही गई हैं, ऐसी हजारों कहानियां उत्तर प्रदेश में, बिहार में आपको मिल जाएंगी, तो कुछ लोग कुछ डोमिनेंट जातियों का समर्थन करती हैं, कई बार वो हिंदुइज्म का समर्थन करती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मसला ये है कि जब इन कहानियों से आप इतिहास को देखने की कोशिश करें, तो ये इतना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत बार डोमिनेंट अप्रोच से लिखी गई है, कही गई है। ये है, दो में नहीं कर रहा हूं मैं। अभिषेक जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। इधर प्रोफेसर बलराम शुक्ला भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी जी, एक प्रश्न सर। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, और बधाइयाँ देता हूँ बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए। एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कथा और इतिहास के बीच में आवाजाही को बहुत अच्छी तरह से बताया, और ये वस्तुतः ऐसा ही है हमारे यहाँ। लेकिन एक छोटी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, या फिर इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब कविता, कथा और इतिहास, इन तीन चीजों की का एकत्र सम्मेलन होता है, मतलब जब काव्य में ऐतिहासिक कथा का समावेश होता है। काव्य में कवि जो है वो कल्पना प्रसूत कथा भी ले सकता है, ऐतिहासिक कथा भी ले सकता है, और अन्य कथा भी ले सकता है। तो कविता में जब भी ऐतिहासिक कथा ली जाती है, तो हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने ये कहा है कि कवि को पूरी पूरी छूट है कि वो उसको बदल सकता है। यत्स्याद् अनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा, नायक अथवा रस के जो भी विपरीत पड़े उसको विरुद्धं तत्परित्याज्यं, वो छोड़ सकता है उसको, या अन्यथा वा प्रकल्पयेत्, या उसको दूसरी तरह से मोड़ सकता है। तो हमारे यहाँ कथा और इतिहास में तो नहीं, लेकिन काव्य और इतिहास में स्पष्टतया अंतर किया गया है, और दोनों के लक्ष्यों को अलग अलग माना गया है। कविता रस के अनुगुण होती है, रस के प्रति प्रवण होती है। इतिहास जो है, इतिहासादेरेव तत्सिद्धे, इतिहास का जो भी लक्ष्य होता हो वो अवार्ता में एतां प्रचक्षते, तो वार्ता एक अलग चीज है और काव्यार्थ, काव्युक्ति एक अलग चीज है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब कविता में ऐतिहासिक इतिवृत्त को लिया जाता है, तो उसमें जैसा कि शास्त्राकार खुद कहते हैं कि उसको वो कर सकता है, उसको सुंदर बनाने के लिए कर सकता है, जैसे कालिदास ने किया, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उन प्रसंगों में ऐतिहासिक सामग्री की परीक्षणीयता का आप कितना अनुभव करते हैं? मतलब परीक्षण तो होना चाहिए अगर हम काव्य में ऐतिहासिक कथा को देख रहे हैं, और ये उसको लाइसेंस मिला है शास्त्रकारों के अनुसार, क्योंकि उसके लिए परम ब्रह्म जो है वो रस ब्रह्म है, उस वो कोई ऐतिहासिक सत्य उसके लिए सत्य नहीं है। तो आप उसकी परीक्षणीयता कितने मात्रा में आप अनुभव करते हैं? ये बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा
मतलब मुझे लगता है उसका ये प्रारंभिक लक्ष्य, जैसे हेमरतन भी है जी। तो हेमरतन ये कहते हैं कि मेरा लक्ष्य इतिहास लेखन नहीं है, पद्मिनी चरण चौपाई में रस मेरा प्रारंभिक लक्ष्य सर्वोपरि लक्ष्य। लेकिन जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखिए सारी ये रचनाएं जिन जो मेरी विवेच्य रचनाएं हैं, इस परियोजना की विवेच्य रचनाएं, वो अधिकांश काव्य रचना है जी। केवल एक गद्य रचना है वो उदयपुर चित्तौड़ पाठनामा है, और दुर्लभ गद्य रचना है, गद्य क्योंकि मिलता ही नहीं परंपरा में। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इतिहास भी अनुसंग के रूप में वहां आया तो बिल्कुल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ये रचनाएं पारंपरिक अर्थ में इतिहास नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करती हमारे लिए। लेकिन आप इनको अतिकल्पित और बेतुकाई कह दें, अपरिष्कृति कह दें, तो ये गड़बड़ नहीं, उनका मूल तो इतिहास है ही, और अन्यथा हाँ। उनकी सामग्री ऐतिहासिक कैसी कही जा सकती है। और दूसरी चीज ये है कि गद्य, और गद्य में हो या पद्य में हो, अपनी परंपरा गद्य को भी कविता ही मानती है। काव्य जो है वो दो प्रकार के है, गद्य और पद्य। तो जैसे आधुनिक हिंदी में गद्य और कविता को अलग किया जाता है, ऐसे ही परंपरा में कभी भी गद्य और पद्य को कविता से भिन्न नहीं किया जाता था, वो सारी चीजें कविता ही मानी जाती थी। धन्यवाद बहुत सर। थैंक यू। लोगों को प्रणाम। प्रोफेसर पे भी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन दिख नहीं रहे हूँ इसमें। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इतिहास और साहित्य, समाज विज्ञान, इनका अंतर अब मिटता जा रहा है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी में लिटररी क्रिटिसिज्म का जो के थियरी जो आए हैं, वो लिटरेचर में भी उतने ही पाठ्य हैं, पढ़े जाते हैं, जितना समाज विज्ञान में पढ़े जाते हैं। और समाज विज्ञान को पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हमारी कल्पना छोटी है और लिटररी क्रिटिसिज्म के कंटेम्प्रेरी थियरीज की कल्पना बहुत विस्तार में चली गई है और सबको समेटे हुए है। तो और फिर इतिहास के बारे में भी कॉन्सेप्शन या अवधारणा बदलती रही है। जर्मन क्लासिकल जर्मन हिस्टोरियन हर्डर का विचार था कि इतिहास यूनिक नैरेटिव है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक ही थियरी हो सकती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ही घटना है, उसको दूसरे रेवोल्यूशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर्डर का ये मंतव्य था। लेकिन आज कंपैरेटिव हिस्ट्री में और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थियरीज ऑफ रेवोल्यूशंस सबकी का तुलनात्मक थियरी डेवलप किया गया है, और तुलनात्मक थियरी के आने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक ही थियरी नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के उतनी ही थियरी हो सकती हैं जितने सेल्फ कॉन्शस हिस्टोरियंस हैं जो अपनी विधा को अलग करके देखना चाहते हैं, अपनी दृष्टि अलग रखनी चाहते हैं। तो साहित्य और इतिहास का अंतर मिटता जा रहा है। जैसे साहित्य में अलग अलग जायसी और बहुत सारे लेखकों का पद्मावत अलग 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 स्वरूप में सामने आता है, उसी तरह से अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक ही थियरी नहीं है, कई थियरीज हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन की एक ही थियरी नहीं है, कई थियरीज हैं। अब बस यही मैं कहना चाहता था। माइक आप माइक ओपन कर माधव जी।
Professor Paranjape, you wanting to ask a question? Are you there? No. Yes, he's there. He's not visible. Sir, please open your video. बीच में तो आए थे नहीं दिख रहा हाँ विजिबल है तो आपको दिख रहा मैं नहीं दिख रहे सर हाँ बिल्कुल वो पता नहीं क्या हो गया उनको नहीं दिख रहा ये एक पॉसिबिलिटी है आपको यूनिक वर्जन चाहिए तो अर्नब गोस्वामी के स्टाइल में सबके माइक्स म्यूट कर दो आपका माइक म्यूट नहीं होना चाहिए सर आप हमारी शोभा है पूछ रही थी हाँ सुमित भैया जी आप पूछ रहे हैं कुछ जी सर हाँ। सर आवाज आ रही है हड़ा सर एक तो बहुत बहुत बधाई मुझे मैं आपकी बहुत सारे थॉट के साथ एग्री करती हूँ पर्सनली शायद इसलिए हो सकता है कि मैंने बहुत सारा राजस्थानी डॉक्यूमेंट आपकी तरह पढ़ा है इस वजह से या वहाँ काम किया इस वजह से या इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते मैं बहुत सारी चीजों के साथ आपकी एग्री करती हूँ इवन के मैं सती के साथ भी एग्री करती हूँ जो कि अभिषेक जी नहीं करते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मारवाड़ में जब हम बात करते हैं चारण भाटों की और जैन पट्टावलियों की तो उनकी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट हैं सबू सर ने भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन किया था आपसे तो ये सब मारवाड़ी में है तो क्या आपको जब आप मेवाड़ के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं पद्मावती के में तो वहां पे जो इनकी एक तो लैंग्वेज कौन सी है मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जैन और साहित्य और ये चांद भाटों ने जो लिखा है वो और दूसरा सर मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या पद्मावती को लेके जैसे जनरली मारवाड़ में जब हम देखते हैं तो रानियों के नाम में वो एक ही रानी को दूसरे राजा की रानी बता देते हैं या उनके टाइम को लेके बहुत सारी चीजें चेंज मिलता है उनमें ना तो उस मतलब ऐसा आपको वहां पे भी मिल रहा है क्या पद्मनी के केस में और दूसरा सर अगर ऐसा मिल रहा है तो आप किसको कंसिडर करते हैं जैन साहित्य को या फिर चांद भाटों के जो लोकल लिटरेचर है उसको देखिए मुझे लगता है कोई मैंने इसको वैविध्य कहा है इसको विरोध मत कहिए नहीं सर मैंने विरोध नहीं कहा शायद अब मैं समझाने में शायद ठीक से नहीं समझा पाई मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपने विरोध कहा मैंने कहा अगर इस साहित्य में कॉन्ट्राडिक्ट मिलता है तो जैसे मारवाड़ में हमें बहुत जगह मिलता है कि जैन साहित्य किसी रानी को कुछ कह रहा है और जो चारण भाटों का है वो डिफरेंट नाम दे रहा है जैसे कि तका सिंह की रानी को वो जसन सिंह की रानी बता रहे हैं इस तरह का बहुत सारे चेंजेस हमें मिलते हैं मारवाड़ के कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं क्योंकि मैंने तो मारवाड़ ही पढ़ा है तो मेवाड़ सूचनाएं जो छनकर ही पहुंचती थी और सूचनाओं का जो पल्लवन है वो अपने विवेक और अपने ढंग से होता तो हर आदमी अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र था तो ये आपको मिलेगा गाँव में भी मिलेगा और सब जगह मिलेगा आपको ये वैविध्य तो कभी अंतर विरोध की सीमा तक मिलेगा और इसको इसको इसीलिए मैंने कहा कि इसको सही झूठ के उस पर किसी कसौटी पर रखा भी नहीं जाना चाहिए इनमें से सही क्या है और गलत क्या है नहीं सर जैसे हम अपने विवेक से देखना चाहें किसी चीज को तो हम जैन साहित्य को ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे या फिर चांद साहित्य को नहीं मैं मेरे लिए देखिए मेरे लिए दोनों ही ऑथेंटिक है दोनों ही प्रामाणिक है एक अर्थ में प्रामाणिक इसलिए कि ये पार्ट टेक्स्ट है अब टेक्स्ट का पार्ट आप टेक्स्ट के पार्ट के लिए पाठक भी स्वतंत्र है और कवि और लेखक भी स्वतंत्र है इसलिए इतनी छूट दे दीजिए उनको रचनाकार है वो मतलब अबुल फजल नहीं है जिसको फैक्ट लिखना है थैंक यू सर ये बहुत ही मनोहर रोचक प्रस्तुति रही हड्डा साहब की और उनकी विद्वता की झलक मिली हम सब लोगों को उनकी कितनी पकड़ है हिंदी साहित्य पे या पद्मावत संबंधी साहित्य पे तो मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो अभिषेक जी ने कही थी आगे
इसमें उस परंज पे आगे क्या सर? तो ये जो चारण घाट परंपरा है, मैंने भी बहुत से उत्तराखंड के बहुत सारे फोकलोर को डॉक्यूमेंट किया है, ये बदलता रहता है। और जैसे प्रोफेसर परांजपे ने भी कहा कि रामायण और महाभारत के भी बहुत सारे वर्जन है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने 2008 में रामायण पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, परफॉर्मेंस एंड रिसर्च दोनों चीज का। जैसे 2011 में महाभारत पे किया था, तो 500 से ज्यादा वर्जन महाभारत के ही आए और रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन आए। तो हर एक वर्जन अलग है। मेरे पास एक वर्जन रामायण का ऐसा जिसमें राम नहीं सीता रावण को मारती है, कहाँ कहाँ ये फैक्ट्स हैं ये। और ये ऐसा नहीं है सर, तमिलनाडु में भी एक वर्जन है, एक रामानुजम ने लिखा है एनदर हार्मनी में, यस, एक वहां भी सीता रावण को मारती है। तो ये टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट का सम्मान होना चाहिए जो आप रिसर्च कर रहे हैं। इतिहासकार फ्री है, उनको अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करें न करें, लेकिन उस पे आप ये नहीं कह सकते। पास जो चीज हो गई सो हो गई, अब उसको वर्तमान में खराब था सती, खराब थी, सब कह रहे हैं खराब थी, तो भैया सती का टेक्स्ट है तो उसको पढ़ रहे, उसकी बात हो रही है। अब उसको वर्तमान में उसको रीइंटरप्रेट करना, ये इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको आडा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों सर थैंक यू, आप प्रणाम सभी लोगों को। और अब आप लोग सब लोग चाय पीने चले, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।